हेलो नमस्कार और नकम सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर, क्या बोलूं, बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखिए ये सब ना एकदम फ्लो में चलता रहेगा। आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ोगे, फिर मैं आपको थर्मल प्रॉपर्टीज बता दूंगा, फिर आपको हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स एकदम मतलब ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि अरे वाह यार पढ़ भी लिया और मजा भी आ गया वाली बात है, कोई दिमाग में बर्डन आपको फील नहीं होगा। उसके बाद आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, धीरे से आपकी काइनेटिक थ्योरी आ जाएगी और गैसेस मामा, और लास्ट में ना जो लास्ट के 2 चैप्टर है आपके उसमें थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा सा दिमाग आपका लगेगा, है ना। तो दिमाग को अपने बचा कर रखिए, दिमाग को अपने इस तरीके से बचाइए कि तब जब आप पर प्रेशर पड़े लास्ट के 2 चैप्टर में तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आए, है ना। अभी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम मक्खन है, वो एकदम पानी है, आराम से बहते बहते आपके दिमाग तक पहुँच जाएगी, ठीक है। बस लेक्चर को देखिए, आराम से पानी पीते हुए लेक्चर को देखिए, पेपर और पेन अपने सामने रखिए ताकि आप भी कुछ कुछ करते रहें लेक्चर को, नहीं तो लेक्चर को देखते देखते नहीं तो आपको लेक्चर देखे साथ क्या आने लगेगी, नींद आने लगेगी, है ना। खाली बैठ के लेक्चर देखोगे तो नींद आने वाली है, पक्की बात है, और खासकर जब थ्योरी पढ़ोगे तो पक्का आने वाली है, ठीक है। चलिए भाई आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था भाई, न्यूमेरिकल्स देखे थे, है ना, कुछ इलास्टिसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नए टॉपिक को जिसका नाम है इलास्टिक लिमिट। यार आपको पता है इलास्टिक लिमिट क्या होती है, फिर भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बाबा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, जैसे कैसे बताऊं मैं आपको, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे कि वायर है, कोई वायर है, ठीक है ना। वायर में आपने देखा होगा जब आप वायर को खींचते हो, आप तो नहीं खींच पाओगे, लेकिन किसी मशीन के द्वारा अगर आप दोनों एंड को पकड़ो किसी वायर के और उसको खींचो तो वायर खिंचेगी 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 खिंचेगी, और आप क्या करोगे अपने उस फोर्स को जिससे आप खींच रहे थे जब उसको छोड़ोगे तो वायर कभी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाएगी, ओरिजिनल अपनी पोजीशन को गेन नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि आपने वायर को इतना ज़्यादा खींच दिया, वायर को इतना ज़्यादा खींच दिया कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक पहुँच ही नहीं पाई, मतलब आपने वायर को उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींच दिया है। अगर आप वायर को थोड़ा सा खींचते और डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ देते तो वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। लेकिन भाई आपने इतना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया कि उसकी कोई इलास्टिक लिमिट होगी ना बाबा, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। आपके गुस्से की एक लिमिट है भाई, कल के दिन मान लो भैया लॉकडाउन चल रहा है, आपके घर में बाई नहीं आ रही, कपड़े धोने वाले नहीं आ रहे, आप अपने बर्तन धो रहे हो, ठीक है, रोज़ बर्तन धो रहे हो, 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 1.5 महीने 2 महीने तक आप रोज़ बर्तन धो रहे हो, सुबह भी धो रहे हो खाने के बाद, रात में भी धो रहे हो खाने के बाद, तो भाई महीने में एक दिन तो ऐसा आएगा जब आपका दिमाग आउट हो जाएगा, आप बोलोगे यार ये क्या चल रहा है, ये क्या जीवन चल रहा है, रोज मैं एक बर्तन ही धो रहा हूँ, यही एक काम कर रहा हूँ, बर्तन 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 बर्तन, है ना। तो आप क्या हुआ, गुस्सा आपको कब आया, जब आपकी लिमिट रीच हो गई। वैसे ही इलास्टिसिटी की भी एक लिमिट होती है। इलास्टिसिटी क्या होता है आपको पता है भाई, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं और वापस छोड़ देते हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है, हाँ कि ना, हाँ। लेकिन अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा रहा है, इसका मतलब यही है कि आपने उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उसको स्ट्रेच कर दिया है, पक्की बात है। सर क्या इलास्टिसिटी इलोंगेशन में ही आती है, क्या कंप्रेशन में नहीं आती? कंप्रेशन में भी आती है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करोगे और फोर्स छोड़ दोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि इलास्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन में आए, कंप्रेशन में ना आए, दोनों तरीके से आती है, ठीक है। चलिए अंग्रेजी पढ़ते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेस विच बॉडी कैन रीगेन its original size and shape. मतलब स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस स्ट्रेस को आप हटाओ जब, तो बॉडी अपना ओरिजिनल साइज और शेप क्या कर ले रीगेन कर ले आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है, समझ में आ गया। इफ बॉडी एक्सीड दिस लिमिट, अगर बॉडी इस लिमिट को एक्सीड कर जाती है, देन इट विल नॉट गेन इनिशियल साइज एंड शेप कंप्लीटली, इट विल गेट परमानेंट सेट एंड सेट टू बी ओवर स्ट्रेन्ड। अगर आपने उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उसको स्ट्रेच कर दिया, ज्यादा फोर्स लगा दिया, चाहे टेंसाइल फोर्स चाहे कंप्रेसिव फोर्स, और उसके बाद अपने फोर्स को हटाया, तो भाई वो कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगी, उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, पक्की बात है। हाँ सर पक्की बात है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। चलिए तो इसको हम बोलते हैं उसकी इलास्टिक लिमिट। अब आप देखिए यहां पर आपके सामने एक जेफ है, देखो इस पर फोर्स लगाया, देखो कंप्रेस किया और उसको छोड़ दिया, देखो ये ऊपर गया, तो देखो वापस अपने इसने ओरिजिनल शेप और साइज गेन कर लिया। इसका क्या मतलब है, आपने इस पर जो ये कंप्रेसिव फोर्स लगाया है, ये इसकी इलास्टिक लिमिट से कम में लगाया है कि ज्यादा पे लगाया है, बताओ मुझे। ये जो फोर्स इस पर लग रहा है रबर पर, ये इसकी इलास्टिक लिमिट से
कम पे लग रहा है तभी ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर रही है, है ना। अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के इसको यहाँ तक कंप्रेस कर दूँ और छोड़ दूँ तो पता चला कि भाई जब मैंने फोर्स को हटाया तो रबर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज पर तो गई ही नहीं। वैसे रबर के केस में ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा उसको कंप्रेस कर दोगे तब भी वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी, क्योंकि रबर इलास्टोमर में आती है। किस में आती है? इलास्टोमर में आती है। वो 1000 times तक ज़्यादा कंप्रेस और इलोंगेट हो सकती है तब भी उसकी इलास्टिसिटी बरकरार रहती है। ठीक है, ठीक है सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हुक्स लॉ आ गया। अब ये काम की चीज़ है। क्या है भाई? ये काम की चीज़ है। हुक्स मोहल्ले की वो आंटी है जिनको सब जानना ज़रूरी था। मोहल्ले की आंटी नहीं होती है कि आप कहाँ जा रहे हो, रात में कितने बजे आ रहे हो, आपके कितने दोस्त आपसे मिलने आ रहे हैं, उनमें से कितनी लड़कियाँ हैं जो आपसे मिलने आ रही हैं, सब पता रहता है मोहल्ले की एक आंटी को, पता रहता है कि नहीं? बस वही है ये हुक्स साहब। हुक्स साहब को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करे। ठीक है, तुमने भाई अपने प्रैक्टिकल्स किए, अपने पूरे दिल को संतुष्टि पाने के लिए उन्हें हर तरीके प्रैक्टिकल कर एक रिलेशन आपको ला कर दिया। क्या बोला उन्हें? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट दी अंडर डायरेक्ट लोडिंग, अंडर डायरेक्ट लोडिंग, भाई स्टेटमेंट याद रखना, लोडिंग कैसी है अभी? डायरेक्ट लोडिंग है, विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ये भी बात ध्यान रखना, इलास्टिक लिमिट नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। कभी कभी ये गलती हो जाती है अंग्रेजी में, यहाँ पर लोग इलास्टिक लिमिट बोल देते हैं, इलास्टिक लिमिट नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये बात मैंने आपको बताई है क्या? बिल्कुल बताई है। सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन, जिसमें सिग्मा क्या है? स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। लो भाई मैं लिखता हूँ, बार बार लिखूंगा, मरते दम तक लिखूंगा आपको जब तक समझ ना आ जाए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड एप्सिलॉन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, हाँ, और ई क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई ओ यू एन जी एस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए अब देखो, जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट की बात की तो देखो आपको ग्राफ में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट दिखेगी। जब मैं इलास्टिक लिमिट की बात करूंगा तो आपको ग्राफ में इलास्टिक लिमिट दिखेगी। सर कौन सा ग्राफ? अभी आगे आपको समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, यहां पर ही क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है भाई, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, पक्की बात है। However, for mild steel, proportionality limit and elastic limit are almost equal. इस statement को याद रखेंगे। Steel के लिए proportionality limit और elastic limit almost equal होती है, देखेंगे अभी, है ना? But for other metals, elastic limit may be higher than the proportionality limit. Example, rubber. Rubber के लिए proportionality limit और elastic limit क्या हो सकती है? High हो सकती है बहुत, है ना? Elastic limit may be higher than proportionality limit. For example, रबर। अच्छा, अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा तो लाइन ऐसी सीधी बनने वाली है। हाँ सर, लाइन ऐसी सीधी, यहाँ डॉट होना चाहिए, एरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो जाएगी लाइन। लाइन ऐसी स्ट्रेट बननी चाहिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन में पहले स्ट्रेस आता है कि स्ट्रेन आती है, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था मुर्गी और अंडे वाला क्वेश्चन है ये। उसका आंसर भी मैंने आपको दिया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में पहले स्ट्रेन आती है। आप जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो आप चाहते हो कि डिफॉर्मेशन आए, तभी तो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था। भाई अगर आपको मेटल की प्लेट को, या मैं आपको बोलूं अगर आपको स्टील का ऐसे मैं दे दूं ब्लॉक दे दूं, क्या दे दूं? स्टील का ब्लॉक दे दूं। देखो नीला स्क्रीन आ गया है, मुझे नीला स्क्रीन नहीं, मुझे सफ़ेद स्क्रीन चाहिए। हाँ, मैं आपको बोलूं भैया कि लो एक स्टील का ब्लॉक ले लो, ठीक है, क्या ले लो भाई? एक स्टील का ब्लॉक ले लो भाई, ये ले लिया मैंने स्टील का ब्लॉक। ठीक है, और मैंने इसको क्या बोला कि भाई मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? एक पतली सी शीट में। किसमें कन्वर्ट करना है भाई इसको? एक पतली सी शीट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे इसको बताओ मुझे? अगर इसको शीट में कन्वर्ट करना है, आप भाई दिमाग से मतलब बहुत तेज लोग हो, है ना, साइंस ली हुई है आपने, तो मुझे बताइए कि अगर इस लॉग को, इस ब्लॉक को पूरा पूरा ऐसे पतले से पेपर या पतले से शीट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा?
तो आप बोलोगे सर मैं इस पे ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा, ऐसे नीचे और ऊपर से इस पे क्या लगाऊंगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा, और कंप्रेसिव फोर्स लगा लगा के क्या कर दूंगा भाई, इसको पतला शीट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, आपने बोला हाँ बढ़िया, ये काम हमारा हो गया। ठीक है भाई, अब देखो आपने जब शीट पे फोर्स लगाया, शीट पे फोर्स लगाया, डीए क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। दिस इज व्हाट, दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स। आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपको दिमाग एकदम कहीं और चला जाए और आपको एकदम से होश आए कि अरे मैं पढ़ रहा था और मैं जो लाइन अभी चार लाइन पढ़ी है इसको तो मैं समझना ही भूल गया। ऐसा होता है क्या? जैसे आपने पढ़ना चालू किया कोई पैराग्राफ, आपने दो लाइन पढ़ी आपको समझ में आई, अगली पांच छह लाइन आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, और जैसे ही आपका दिमाग वहां से वापस आया तो उसने बोला कि भाई जो ऊपर की पांच लाइन पढ़ी है उसका तो मतलब ही नहीं समझ में आया। होता है क्या कभी ऐसा? बिल्कुल होता है सर, बहुत बार होता है। गाड़ी चलाते रहते हैं, बाइक चलाते रहते हैं, साइकिल चलाते रहते हैं, चलाते चलाते कहीं खो जाते हैं, फिर याद आता है कि अरे हम तो साइकिल चला रहे हैं, ध्यान रखना है सड़क पर। तो वैसे जब मैं कोई चीज़ समझाता रहता हूँ ना, तो समझाते समझाते इतना खो जाता हूँ कि मैं यही भूल जाता हूँ कि मैं क्या समझा रहा था। है, चलिए वापस आते हैं कि जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो हमारा एम क्या था? स्ट्रेस जनरेट करना? नहीं, हमारा एम था कि हम इस ब्लॉक को किस में चेंज कर दें, शीट में चेंज कर दें। मतलब हम क्या ले आए? स्ट्रेन ले आए। हमारा एम क्या था? हमारा एम था स्ट्रेन लाना, चेंज लाना, डिफॉर्मेशन लाना, ये हमारा एम था। लेकिन जब हम स्ट्रेन लाना चाह रहे थे तब मटेरियल हमको क्या दे रहा था? एक क्या दे रहा था? रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा था, एक रिएक्शन फोर्स दे रहा था, जो पर यूनिट एरिया से क्या बन रहा था? स्ट्रेस बन रहा था। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए स्ट्रेस से स्ट्रेन नहीं आता, स्ट्रेन लाने के कारण स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, इसलिए जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट करते हो तो स्ट्रेन हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, स्ट्रेस हमेशा वाई एक्सिस पे होता है। आपको पता है ना, जो इंडिपेंडेंट चीजें होती हैं वो एक्स एक्सिस पर हम ज्यादातर रखते हैं, ज्यादातर क्या रखते ही हैं, जो इंडिपेंडेंट चीजें होती हैं वो ज्यादातर हम यहाँ एक्स एक्सिस पे रखते हैं और जो डिपेंडेंट होती हैं वो हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, है ना। ये बहुत बेसिक सी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बताई नहीं जाती है। ठीक है, क्लियर 100%? ठीक है, दूसरी चीज, ए लाल पेन क्यों चल जाता है? दूसरी चीज, ये जो लाइन आपने बनाई है, ये जो लाइन आपने बनाई है, इसका आप स्लोप निकाल सकते हो क्या? इसका आप स्लोप निकाल सकते हो? टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप, और वो क्या होगा? वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो वाई वाई एक्स होगा। होगा क्या? अच्छा, वाई एक्सिस पे क्या है? स्ट्रेस, है ना, और एक्स एक्सिस पे क्या है? स्ट्रेन। तो जब आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करते हो तो आपको क्या मिलता है? स्लोप मिलता है इस लाइन का। क्या मिलता है? स्लोप मिलता है। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है बाबा? अगर मैं यहां देखूं तो मैं जानता हूं सिग्मा बाय एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू कैपिटल ई। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो याद रखना, जो आपको टेन थीटा है ग्राफ का, वो क्या देगा आपको? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा। ठीक है, पक्का 100%, बहुत ज्यादा 100%। ठीक है, ये बात याद रखना, आपको ऐसे ग्राफ्स आ जाएंगे, ग्राफ्स में वो बोलेगा कि लाओ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल कर बताओ। ठीक, तो आप क्या करोगे? लाइन का स्लोप निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन ये इलास्टिक, ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ही होगा बाबा। देख लो, हुक्स लॉ वैलिड है कहां तक? प्रोपोर्शनैलिटी तक, बस, टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वहीं तक आप टेन थीटा लगाकर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। जैसे ही आपकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट खत्म हुई, फिर आप स्लोप की बात नहीं करोगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए, है ना। फिर वहां पे अलग कंसेप्ट आते हैं जो अभी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, पक्का, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ सर, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, इसको हटा दूं। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है द स्लोप। देखो, जो मैंने आपको बताया, द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द मॉड्यूलो द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस दैट, ये क्या लिखा है, दैट दस मॉडल, यहाँ पे कुछ एरर आ गई है मुझे ऐसा लगता है, कुछ मैनुअल एरर है। द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अप द स्ट्रेन, है ना। आपको अगर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकालना है, वो क्या होता है? विच इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। सीधी बात है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी ये बोलना चाह रही है, ई इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। दिस इज ओके।
दस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज द यूनिट सेम एज दैट ऑफ द स्ट्रेस। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या ये डायमेंशन लेस है बाबा? डायमेंशन लेस है। सिर्फ यहाँ पर डायमेंशन किसके पास है? स्ट्रेस के पास है। तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होने वाला है। पता था सर पहले से, चलो बढ़िया। अच्छा, कुछ अजम्पशंस होते हैं भाई। हुक्स ने अपनी चीजें डिराइव करने से पहले, ये होता था पुराने जमाने में, अभी भी होता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप बता देते हो कि हमने क्या मानकर ये एक्सपेरिमेंट किया है। इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमने ये चीजें मानी थी, है ना? पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। इसलिए ये सारी चीजें अजम्पशंस में आ जाती हैं। तो हुक्स ने जब अपने एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट हमको बताए तो उसने अजम्पशन ये माना कि मटेरियल जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। अब ये होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है? तो होमोजीनिटी एक प्रॉपर्टी होती है। होमोजीनियस मटेरियल का मतलब ये होता है कि मटेरियल में कहीं भी आप देखो सारे पॉइंट पर प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक, मान लो डेंसिटी है, आपने कोई मटेरियल ले लिया, मटेरियल के एक कोने में आप थोड़ा सा पार्ट काटो मटेरियल का, आपको पता चला भाई वहाँ तो बढ़िया डेंसिटी है ना। जैसे मान लो ये कोई एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास कोई एक ये स्फीयर है, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर है। मैंने इसका इतना पोर्शन काटा तो मैंने देखा भाई यहाँ तो बढ़िया मॉलिक्यूल पास पास है, एकदम सॉलिड है, एकदम पास पास मॉलिक्यूल है, उसकी यहाँ डेंसिटी एकदम बढ़िया है, परफेक्ट डेंसिटी है, अच्छी डेंसिटी है भाई, ठीक है। फिर मैंने बोला यार रियल पार्ट में चेक करो, रियल पार्ट में जब आपने चेक किया तो देखा आपने कि भाई यहाँ तो हल्का है, यहाँ तो पोर ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे पोर्स हैं, छिद्र हैं छोटे छोटे, इसमें हवा भरी हुई है। तो ये वाला पार्ट क्या है? लेस डेंस है, यहाँ डेंसिटी कम है। तो भाई यहाँ डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ डेंसिटी कम, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये होमोजीनियस है, ये मटेरियल जो है वो होमोजीनियस है, नहीं, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी हर पॉइंट पर अलग अलग हो गई है। यहाँ पर डेंसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी, डेंसिटी अगर इज अ प्रॉपर्टी, आप इस पॉइंट पर डेंसिटी देख रहे हो तो बढ़िया दिख रही है, यहाँ देख रहे हो तो कम हो जा रही है, तो ये क्या बात हुई भाई? हर लोकेशन पर थोड़ी ना सेम है प्रॉपर्टी। तो हर लोकेशन पर अगर प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो ये मटेरियल होमोजीनियस नहीं है। तो भाई पहले ही हुक्स ने बोल दिया कि मैं जो मटेरियल लूंगा वो होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब हर पॉइंट पर प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। अच्छा, आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टीज आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट ना हो, डायरेक्शन डिपेंडेंट ना हो। जैसे 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 आपने वो रबर देखी है, मिटाने वाली रबर जो होती है, मिटाने वाली रबर, हाँ सर देखिए, उस मिटाने वाली रबर को ऐसी लंबी सी होती है कि नहीं होती है? हाँ सर लंबी सी होती है। उसको जब आप ऊपर से ऐसे खींचोगे तो आराम से खींचती है, देखा है कि नहीं आपने, कितना बढ़िया ऊपर से खींचती है, ऐसे खींचोगे तो लंबी लंबी रबर अलॉन्ग द लेंथ उसको खींचोगे तो अच्छे से खींचेगी, लेकिन अगर आप उसकी अलॉन्ग द ब्रेथ खींचना चाहोगे तो वो उतने अच्छे से नहीं खींचती जितने अच्छे से वो लेंथ के अलॉन्ग खींचती है, देखा होगा कि नहीं? हाँ सर देखा है। तो ऐसी कोई भी मटेरियल जिसमें प्रॉपर्टी डायरेक्शन पर डिपेंडेंट हो, यहाँ जो मैंने रबर का आपको एग्जाम्पल दिया उसमें आप देखो इस डायरेक्शन में आराम से खींच रही है वो अलॉन्ग द लेंथ, आराम से उसमें इलास्टिक आपको इलास्टिसिटी दिख रही है, लेकिन अलॉन्ग द ब्रेथ उसमें उतना खिंचाव नहीं है जितना अलॉन्ग द लेंथ था। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी थी वो अलॉन्ग द लेंथ बढ़िया थी लेकिन अलॉन्ग द ब्रेथ उतनी अच्छी नहीं थी। तो क्या हुआ? डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गई कि नहीं हो गई प्रॉपर्टी? हाँ सर डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गई, बिल्कुल डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गई सर। तो जब भी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज कर ले तो आप बोलोगे वो मटेरियल आइसोट्रोपिक नहीं है। आइसोट्रोपिक मटेरियल में हर पॉइंट पर, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक वो मटेरियल होते हैं जो जिनमें प्रॉपर्टीज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। और ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे मटेरियल जिनमें प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट हो, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें ऐसा मटेरियल जिसमें प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट हो, क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसा मटेरियल जिसमें प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट हो उनको एनाइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। क्या? एनाइसोट्रोपिक। तो यहां लिखता हूं मैं आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक में प्रॉपर्टी इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। आइसोट्रोपिक मटेरियल में प्रॉपर्टी इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है, हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी है। और एनाइसोट्रोपिक मटेरियल होता है, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल होता है प्रॉपर्टी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट,
प्रॉपर्टी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट. ओ नाइस, प्रॉपर्टी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट. क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं, आ गया सब समझ में सर. ठीक है, तीसरा जो एजम्पशन है वो है मटेरियल इज इलास्टिक. तो भैया वो तो लेना ही पड़ेगा ना, आप इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहे हो और मटेरियल को इलास्टिक नहीं मानोगे तो एजम्पशन तो फेल हो जाएंगे ना सारे. ठीक 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 सर, ओके ओके ओके, है ना. चलिए भाई, अगर प्रूफ करना है, जैसे मान लो अगर ये प्रूफ करना है कि मैं सच्चा आदमी हूँ, मेरे को अगर प्रूफ करना है कि मैं सच्चा आदमी हूँ तो ये मानना पड़ेगा ना कि मैं सच बोलता हूँ. अगर मैं यही मान लूँ कि मैं हमेशा झूठ बोलता आया हूँ तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि मैं सच्चा आदमी हूँ? सर आप कैसी बातें कर रहे हो, सर कुछ भी बोल रहे हो. अरे नहीं, सही बात है, ऐसे ही होते हैं अजम्पशन बाबा. अजम्पशन होते हैं वरदान जो पहले मांगे जाते हैं कि मैं ऐसे प्रैक्टिकल करूँगा, मेरी ये कंडीशन होनी चाहिए, मेरी वो कंडीशन होनी चाहिए. जैसे आप जब बाइक लेते हो, आपने मानो प्लेटिना खरीदी, प्लेटिना में उसने बोल दिया भाई एक लीटर पेट्रोल पे आपके प्लेटिना 92 किलोमीटर देगी एवरेज. अच्छा, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगा. लेकिन जब आप प्लेटिना खरीद कर लेकर आए और आपने चलाया तो पता चला आपको एवरेज मिल रहा है 75 किलोमीटर्स का. तो आप जब जाके उससे पूछोगे कि आपने तो बोला था भाई 92 किलोमीटर का एवरेज देगी, तो वो बोलेंगे कि लेकिन हमारी कंडीशन है कि रोड इतनी होनी चाहिए, रोड में इतना फ्रिक्शन होना चाहिए, रोड खाली होनी चाहिए, उसमें कोई ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, मोड़ नहीं होना चाहिए, स्पीड इतनी होनी चाहिए, हवा बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, गर्मी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ऐसे 50 तरीके का अजम्पशन वो आपको बता देंगे. अगर ये 50 अजम्पशन आप मान लेते हो तो आपकी जो प्लेटिना है वो भी 92 किलोमीटर एवरेज देगी. समझ में आई मेरी बात? हाँ सर, ये होता है अजम्पशन का मतलब. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय सीरियल्स मेथड. अभी इस डायग्राम को आप मत देखिएगा, इस डायग्राम पर हम आएंगे, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं. जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट किया गया, जब बताया हुक्स ने कि भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, तो उसने यह भी बताया कि यह प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक होता है. तो लोगों को ये जागरूक इच्छा, अंदर से एक इच्छा जागरूक हुई, जागरूकता बढ़ी, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि भाई चलो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक तो हुक्स ने बात कर दी, अब प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद क्या. तो सीरियल ने क्या किया, सीरियल भाई साहब ने क्या किया, उनने एक मेटालिक रॉड या मेटालिक वायर लिया. ठीक, एक मेटालिक वायर लिया भाई, ऐसे मोटा मेटालिक. अरे यार ये ऐसी लाइन लाइन क्यों खिंचाती है? क्या लिया, एक मेटालिक वायर लिया, ये ले लिया भाई. अरे हाँ, अब मेटालिक वायर लिया और इस पर क्या लटका दिया, यहां पर वेट लटका दिया, कोई अच्छा खासा वेट M, कैपिटल M लटका दिया. अब कैपिटल M लटकाने के बाद भाई क्या हुआ, उसने बोला कि भाई ये स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, तो इसमें स्ट्रेन जनरेट कर रहा है तो स्ट्रेस आ रही है इसमें. ठीक है, लेकिन ये तब तक ही लीनियर थी जब तक हुक्स ने बताया था प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद. थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा कि जिस स्पीड से स्ट्रेन बढ़ रही है, पहले तो नहीं बढ़ रही थी, पहले तो धीरे धीरे करके लीनियरली स्ट्रेन बढ़ रही होगी, लेकिन बाद में जब बहुत टाइम तक इसको लटकाया गया मास को, तो हमने देखा, या हमने इस मास के ऊपर एक मास और लटका दिया, मान लो स्मॉल एम कर दिया, बढ़ा दिया और मास को, तो हमने देखा कि भाई अब स्ट्रेन ज्यादा आ रही है. अब मैं देखूंगा कि भाई खिंचते मेटालिक वायर जो पहले इस लेंथ का था वो धीरे धीरे लंबा हो गया, पतला भी हो गया और लंबा हो गया. देखो ऐसा हो जाएगा, अरे लाल कलर नहीं चाहिए, काला कलर चाहिए. ठीक, ऐसा हो गया आपका वायर, कैसा हो गया, ऐसा हो गया. तो पहले अच्छा खासा मोटा था, अब पतला हो गया. तो भाई ऐसा बोला गया, ध्यान से सुनना, आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे. एक्सपेरिमेंट शोज अ मेटल वायर सब्जेक्टेड टू अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड. ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो लोड को आप, पहले एम था, फिर एम में थोड़ा सा एम बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, आप धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या कर रहे हो, लोड को इंक्रीज कर रहे हो. इट इज फाउंड दैट द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस अप टू अ सर्टेन लिमिट, जो कि हुक्स ने आपको बता दिया है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. वहां तक तो जो हुक्स बोल रहा था वो एकदम सही था, है ना. ओनली एंड बियॉन्ड दैट रिलेशन इज अ नॉन लीनियर रिलेशन. मतलब जब आप हुक्स के एरिया के बाहर गए, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाहर जाने लगे, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन लीनियर नहीं रह गया, वो नॉन लीनियर हो गया. ठीक है, ये बताया हमको किसने, सीरियल भाई साहब ने. ठीक है, इन इन्वेस्टिगेटिंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल बियॉन्ड दिस लिमिट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेन एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय टेंसाइल टेस्ट डायग्राम. अब बोला भाई सीरियल भाई साहब ने कि आप एक टेंसाइल टेस्ट करो एक स्पेसिमेन पर. स्पेसिमेन समझते हो ना, कि एक चीज लेकर आओ, एक सैंपल लेकर आओ, सैंपल पे आप टेस्ट करो और उससे एक डायग्राम प्लॉट करो
और जैसा जैसा डायग्राम बताएगा आपको, आप वैसा वैसा समझना कि मटेरियल के अंदर हो रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं काम की बात पे। ये तो थी बातचीत, अब काम की बात पे आते हैं, है ना। हेलो अंकल, नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं। बस इतना, बस जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है। बस 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 सर, बस बस बस, भावुक मत हुआ करो आप ज़्यादा। ठीक है, सुनो मेरी बात, देखो आँख में क्या चला गया। हाँ, अब हम लेकर आए स्पेसिमेन। जो बात उसने बोली वो अब हमें करना है, तो अब हम प्रैक्टिकल करने पर आ गए। हम एक स्पेसिमेन लेकर आए, ये स्पेसिमेन है माइल्ड स्टील का, ध्यान से देखना, है ना। माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, बढ़िया स्पेसिमेन पहले मैं लेकर आया, फिर मैंने इसको देखो क्लैम्प कर दिया। दो ऐसे जॉ थे, जॉ में उसको क्या कर दिया, क्लैम्प कर दिया। इस मशीन को बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम, यूटीएम, जो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे साइड में बनी होगी दिखा होगा, ठीक है ना। यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। जब आप कॉलेज में जाओगे ना, इंजीनियरिंग करोगे अगर और कॉलेज में जाओगे, तो आपको ये चीज़ सब प्रैक्टिकल करवाई जाएगी, दिखाया जाएगा कि देखो स्पेसिमेन कैसा है, क्या हो रहा है, कितना फोर्स लगा, कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ और से टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिवर लगा होता है, उससे आप फोर्स बढ़ाते आते हो, बढ़ाते आते हो, बढ़ाते आते हो। तो चलो बात की बात है, चलो ये स्पेसिमेन मैंने लगाया। जब मैं स्पेसिमेन लेकर आया था, तो देखो स्पेसिमेन मैं बता दूं आपको कैसा था। स्पेसिमेन ऐसा था, एकदम बढ़िया स्पेसिमेन था, ये ऐसे साइड में जॉ में फंसाने के लिए ये बने हुए थे। ठीक, एकदम बढ़िया चकाचक पीस आप लेकर आए, आपने इसको क्लैम्प कर दिया। क्लैम्प करने के बाद जब आप फोर्स बढ़ाओगे ना बाबा, जब आप इसको खींचोगे, तो ये क्या होगा, पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे ये पतला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ऐसे पतला हो जाएगा, पहले मोटा था, पतला हो जाएगा। फिर आपने, आप हार नहीं माने, आपने बोला और फोर्स बढ़ाओ। ठीक, आपने और फोर्स बढ़ाई, तो देखो क्या होगा, देखना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कप एंड कोन स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, ऐसा, ये ऐसा होने लगेगा। ठीक है, डायग्राम अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे पतला होने लगेगा, है ना। ये देखो आप, ये देखो इस पार्ट को देखो, ये हो रहा है पतला, देखो 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 देखो, और ये पतला हुआ और ये टूट गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी, धीरे धीरे आपको दिखता है, ये तो बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि जिफ है, लेकिन जब आप देखोगे ना सामने, तो आप ऐसे ऐसे फोर्स बढ़ाओगे और आपको स्पेसिमेन में कोई खास अंतर नहीं दिखाई देगा। हाँ, इस स्पेसिमेन से एक ग्राफ जुड़ा होता है जो आपको क्या बताता है, यहाँ पे गेज लगा होगा जो आपको बताएगा कि कितना एक्सटेंशन आता जा रहा है, कितनी लंबी होती जा रही है रोड, है ना। वो आपको वही ग्राफ में पता चल जाएगा, मशीन आपको सब बताती रहेगी। आखिरी में जब आपको दिखेगा, वो ये दिखेगा कि क्या हो गया, आपका स्पेसिमेन ब्रेक हो गया। ठीक है, किस स्ट्रेस पे ब्रेक हुआ, क्या हुआ, ये सब आपको एक ग्राफ से पता चलता है, जिसको आप क्या बोलते हो इसको आप क्या बोलते हो, टेंसाइल टेस्ट डायग्राम। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। हाँ सर, चलिए तो हम चलते हैं अब अपने टेंसाइल टेस्ट डायग्राम पे, जिसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैं आपको बता दूं कि हर मटेरियल के लिए अलग अलग बनता है। यहां पर जो हम डायग्राम पढ़ने वाले हैं, वो जनरली माइल्ड स्टील के लिए होता है। किसके लिए होता है, माइल्ड स्टील, स्टील के लिए होता है, है ना। अब आप जानते हो कितने भतेरे हमारे पास मटेरियल है, एल्यूमिनियम अलग है, कॉपर अलग है, है ना, सारी चीज़ें, कास्ट आयरन अलग है, ब्रिटल मटेरियल होता है, कोई डक्टाइल मटेरियल होता है, उसकी बात अभी हम करने वाले हैं। तो सबका ये डायग्राम अलग बनता है, ये कोई यूनिवर्सल डायग्राम नहीं है। हाँ, एक यूनिवर्सल माइल्ड स्टील को हमने मान लिया है, ताकि हम उसको क्या ले लें, रेफरेंस ले लें, क्योंकि माइल्ड स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलो, एक रेफरेंस डायग्राम की तरह, चलिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं। आप समझे, ये कर्व बना कैसे, ये कर्व बना इससे, ये कर्व बना इससे, जैसा जैसा यहाँ पर हो रहा था वैसे वैसे वो ग्राफ प्लॉट करता जा रहा था। कौन, इस मशीन से जुड़ा हुआ एक ऐसी वो होती है, जैसे वो नहीं होता ECG मशीन होती है, उसमें से लाइन आती रहती है ना, वैसे ही वो मशीन होती है, वो ग्राफ बनाती चलती है। चलो आ जाओ, अब आप देखो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट किया हमने, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक, अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ होगा। आप ये जानते हो कि ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक डायग्राम आपको क्लियर है क्या। हाँ सर, ओ से लेके ए तक आप देखो लाइन एकदम सीधी सीधी चली, लाइन एकदम सीधी सीधी चली। तो ये तो हमको ऑलरेडी पता था, किसने बताया था, हुक्स ने बताया था कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्ट्रेन के। यहां तक ए तक आप देखो क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करना कि हुआ क्या होगा। मैं आपको एक बार समझा दूंगा, आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है डायग्राम कि इसमें हुआ क्या होगा। कलर चेंज कर लेता हूं,
देखो ए पॉइंट तक, ओ से लेके ए पॉइंट तक आप देखो, आप देखोगे ओ से लेके ए पॉइंट तक कि भैया छोटे से स्ट्रेन के लिए भी आपको काफी स्ट्रेस देना पड़ रहा है, काफी फोर्स लगाना पड़ रहा है। सर आपको कैसे पता ये? देखो लाइन को आप ध्यान से देखना है ना, मैं यहाँ लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो अलग पेज में बनाता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। आओ देखो लाइन कुछ ऐसी बनी हुई है, जे है आपका स्ट्रेस और जे है आपका स्ट्रेन भैया, ठीक है। लाइन बनी हुई है ऐसी, लाइन बनी हुई है ऐसी, है ना, किसके तरफ झुका हुआ है लाइन, किसकी तरफ झुकी हुई है? देखो आप देखोगे किसकी तरफ झुकी हुई है लाइन, स्ट्रेस की तरफ झुकी हुई है, स्ट्रेस की तरफ झुकी हुई है, ठीक। मतलब प्यार से देखना, बहुत प्यार से देखना कि अगर आपको इतना सा स्ट्रेन लाना है, कितना स्ट्रेन लाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रेन लाना है, इतना इतना स्ट्रेन अगर आपको लाना है तो आपको देखो इतनी स्ट्रेस देनी पड़ेगी। फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ाना है अगर, तो उसके लिए आपको देखो इतनी स्ट्रेस बढ़ानी पड़ रही है। तो देखो थोड़े से गैप के लिए आपको स्ट्रेस कितनी बढ़ानी पड़ रही है। आई बात समझ में कि नहीं? नहीं आई सर, नहीं आई। देखो ये पॉइंट देखो, दिस इज योर पॉइंट ए, ठीक, एंड दिस इज योर पॉइंट बी, ठीक है ना। मैं पतले पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि दिखे, क्लियरली दिखे। ए पॉइंट से देखो और बी पॉइंट को मैंने नीचे गिराया, ओहो ठीक है, ओहो हाँ, ए पॉइंट को मैंने नीचे प्रोजेक्ट किया, बी पॉइंट को मैंने नीचे प्रोजेक्ट किया, तो देखो कितनी स्ट्रेन में, कितना स्ट्रेन आया, देखो इतना स्ट्रेन आया, इतना गैप है जो, ठीक है, इतना, इतने से स्ट्रेन के लिए आपको स्ट्रेस की वैल्यू कितनी बढ़ानी पड़ी, ये देखो स्ट्रेस कितनी बढ़ानी पड़ी, कितना फोर्स आपको बढ़ाना पड़ा, आपको फोर्स बढ़ाना पड़ा इतना सारा, गैप देख रहे हो, स्ट्रेन इतनी सी, स्ट्रेस इतना ज़्यादा, स्ट्रेन इतनी सी, स्ट्रेस इतना ज़्यादा। तो आप देखोगे पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक जहां तक लाइन सीधी सीधी चल रही है और वो झुकी हुई है स्ट्रेस की तरफ, तो आप जानोगे कि भैया प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत स्ट्रेस देना पड़ रहा है स्ट्रेन लाने के लिए, हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, ओके, ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर समझ में आई, ठीक। आइए वापस डायग्राम पे चलते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि भैया छोटी सी स्ट्रेन के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है। ध्यान रखना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है ई के बराबर, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप जब लगा रहे हो, थोड़ी सी स्ट्रेन आपको मिल रही है, इससे क्या होगा मुझे बताओ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है ऐसे मटेरियल जिसमें आप थोड़ी सी स्ट्रेन लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाते हो, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे मटेरियल जिसमें आप थोड़ी सी स्ट्रेन लाने के लिए, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन लाने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लगाते हो, वो मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, हाँ कि ना? नहीं आई बात समझ में? बाबा देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए इसी डायग्राम में मैं एक दूसरी लाइन बनाता हूँ, देखिएगा ये है दूसरी लाइन, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। अब आप देखिए इसमें प्यार से एकदम क्या देखेंगे, प्यार से आप दो पॉइंट लेता हूं मैं फिर से, एक ये पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ठीक। ए को प्रोजेक्ट किया नीचे, बी को प्रोजेक्ट किया नीचे, कितना भाई कितना स्ट्रेन लाया आप? इतना स्ट्रेन लाए। इसके लिए आपको कितना स्ट्रेस चाहिए पड़ा, कितना स्ट्रेस में चेंज आना पड़ा? इतना स्ट्रेस में चेंज आना पड़ा। तो आप देखोगे ये गैप और ये गैप ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, है ना। तो सेम स्ट्रेन के लिए आपको जितना आपने स्ट्रेन में डिफॉर्मेशन लाया उसके लिए आपको स्ट्रेस की वैल्यू भी देख रहा है, उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो आप देखो इस लाइन के लिए आप देखोगे कि ई की वैल्यू कम होगी, और इस लाइन के लिए आप देखोगे तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। इससे आप अलग तरीके से समझ सकते हो कि इस लाइन का जो थीटा है थीटा वन, और इस लाइन का जो थीटा है थीटा टू, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, तो इससे हमको समझ में आया कि जो ई टू है वो बड़ा होगा ई वन से, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू का वन से बड़ा होगा। आपको किससे समझ में आया? उससे समझ में आया कि जब भी किसी मटेरियल में आपको स्ट्रेन लाना हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा बड़ा डाउट आपका अभी क्लियर कर देगा। जिस भी मटेरियल में आपको डिफॉर्मेशन लाना हो,
अगर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन लाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अच्छी खासी होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन लाने के लिए आपको थोड़ा ही फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो आप यह समझ जाओ कि उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आई बात। अब आती है बात स्टील और रबर की। मैंने आपसे बोला था कि हम ये बात दोबारा करेंगे। मैंने आपसे पूछा था कि स्टील और रबर में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा होता है, कौन ज्यादा इलास्टिक होता है। तो हमने आपको, आपने बोला था कि भाई रबर होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको समझाया था नहीं, होता है कौन? स्टील। क्यों? क्योंकि स्टील में थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन अगर आपको लाना है, थोड़ा सा भी स्ट्रेन अगर आपको जनरेट करना है, कम स्ट्रेन भी जनरेट करना है, तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। बट अगर रबर में आपको स्ट्रेन लाना हो तो थोड़ा सा फोर्स लगाओ, बढ़िया स्ट्रेन आ जाएगा, तो उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है लेकिन उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है। आई बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर, सर बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आया। याद रखना, याद रखना। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप इसका जवाब दे पाओगे। दो मटेरियल है आपके सामने, मैं दो मटेरियल दे रहा हूं, एक मटेरियल है ए और एक मटेरियल है बी, ठीक है ना। मटेरियल ए पर भी मैंने सिग्मा स्ट्रेस लगाई, मटेरियल बी पर भी मैंने सिग्मा स्ट्रेस लगाई, मटेरियल ए पर भी मैंने सिग्मा स्ट्रेस लगाई, मटेरियल बी पर भी मैंने सिग्मा स्ट्रेस लगाई या फोर्स लगाया जिसके कारण सिग्मा स्ट्रेस जनरेट हुई, ऐसा मान लो, है ना। आप जानते हो अप्लाइड फोर्स रिएक्शन फोर्स के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो मटेरियल ए पर भी इतना स्ट्रेस जनरेट हुआ, मटेरियल बी पर भी स्ट्रेस इतना जनरेट हुआ। मटेरियल ए में इतना स्ट्रेस जनरेट कब हुआ? जब उसमें एप्सिलॉन वन स्ट्रेन आ गई या एप्सिलॉन ए स्ट्रेन आ गई, ठीक। बी में इतना स्ट्रेस कब जनरेट हुआ? जब उसमें एप्सिलॉन बी स्ट्रेन आ गई, ठीक। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मैंने प्रैक्टिकली देखा, प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एप्सिलॉन ए जो है वो एप्सिलॉन बी से ज्यादा है। मतलब जो डिफॉर्मेशन ए मटेरियल में आया है, जो डिफॉर्मेशन ए मटेरियल में आया है वो बी मटेरियल के मुकाबले ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, किसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो आपको जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट को यहां लगाओ कि दोनों पर स्ट्रेस कितना आया है? सिग्मा सिग्मा। बट स्ट्रेन जो ए पर आया है वो ज्यादा है, स्ट्रेन जो ए पर आया वो ज्यादा है, लेकिन बी पर जो स्ट्रेन आया वो कम है। तो कम स्ट्रेन लाने के लिए आपको इतनी स्ट्रेस की जरूरत पड़ी, जबकि उतने ही स्ट्रेस में इसमें ज्यादा स्ट्रेन आ गया, तो हम बोलेंगे भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है? बी की ज्यादा है, क्योंकि यहां पर सिग्मा तो कॉन्स्टेंट है, ये देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई होता है, ठीक है। अगर सिग्मा कॉन्स्टेंट है तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है कि नहीं। जिसका एप्सिलॉन ज्यादा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम, जिसका एप्सिलॉन ज्यादा अगर सेम स्ट्रेस है तो, अगर सेम स्ट्रेस आपने लिया है तो जिसका एप्सिलॉन ज्यादा उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम। अब आपको समझ में आया? इसलिए स्टील में हम ये बोलते हैं कि भाई स्टील में थोड़ा सा भी स्ट्रेन लाने के लिए, थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन लाने के लिए आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होती है। इसलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा है? स्टील का ज्यादा है। बहुत ही शानदार। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ये मशीन ने प्लॉट करके दिया, अब हमको उसको समझना है। तो हमने देखा भाई ओ से ए तक लाइन सीधी थी और स्ट्रेस की तरफ झुकी हुई थी, मतलब थोड़े से स्ट्रेन लाने के लिए आपको अच्छा खासा स्ट्रेस देना पड़ रहा था, ठीक है। इन दिस रीजन ओ से ए तक, इन दिस रीजन द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये तो हमको भी पता है। ओ से ए तक स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, सीधी लाइन बन रही है। आप देखो ये हमको किसने बता दिया था? हुक्स ने बता दिया था, ठीक है। अप टू ए एंड हुक्स लॉ इज यूनिट ऑप्टेड, हाँ हुक्स लॉ इज ओबेड, हुक्स लॉ वैलिड हुआ है ओ से लेके ए तक। पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, ये देखो पॉइंट ए को आप बोलते हो प्रोपोर्शनल लिमिट, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। नेक्स्ट स्लोप ऑफ लाइन ओ ए गिव्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटीरियल ऑफ वायर या मटीरियल ऑफ लॉड जो आपने लिया है, ठीक है। ठीक है भाई, इसका आप स्लोप निकालोगे, ये थीटा आपके पास है, टेन थीटा निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो ना यहाँ पर आपको कोई स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी, इस पर आपको स्ट्रेन भी मिलेगा, ठीक। ठीक, अब देखो ओ से ए तक देखा गया कि जितना स्ट्रेन आया है टोटल आएगा, जो टोटल खींचने में जितना स्ट्रेन आएगा उसका 1% से भी कम ओ से ए तक आता है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर आता है।
और वो क्या है, अगर यहाँ पर मैं फोर्स छोड़ूं, यहाँ पर मैं अगर फोर्स छोड़ दूँ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो क्या होगा, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी। ये बात याद रखना, ओ से ए तक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, क्योंकि अभी वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं, रीजन देखते हैं ओ से बी, ओ से बी रीजन। ये देखो ध्यान से देखना, इसको हटा देता हूँ मैं, ओ से बी, ए से बी, सॉरी ए से बी। ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को आप बोलते हो इलास्टिक लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट में बहुत अंतर है। हो सकता है कई कई मटेरियल में ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास दिखे आपको, जैसे माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील में ए और बी बहुत पास पास होते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट आई और खटाक से इलास्टिक लिमिट आ जाती है। चलो समझते हैं पहले क्या है। ए बी, फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। अब यहाँ क्या दिक्कत फंस गई, दिक्कत ये फंस गई कि ए से बी तक ग्राफ ने आपको बताया, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैंने नहीं किया, ये आपको मटेरियल ने बताया है, ये आपने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, ये वाला, ये जो एक्सपेरिमेंट किया आपने, इसके द्वारा ये ग्राफ प्लॉट हुआ है। तो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली हुआ है उसको हम समझ रहे हैं ग्राफ से। तो हमने देखा भाई ए से बी तक लाइन लीनियर तो नहीं रह गई, कर्व आ गया उसमें, कर्वी लीनियर टाइप हो गई है ना। तो भाई हमने बोला भाई यहां तो स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, यहां तो इस केस में स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो स्ट्रेस है ही नहीं, मतलब यहां हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। यहां क्या है, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। हुक्स लॉ कहां, इलास्टिक लिमिट में, हुक्स लॉ ए से बी के बीच में, ठीक है ना, हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। मैंने कहा बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया, आगे पढ़ते हैं। बट इफ द लोड इज रिमूव्ड, लेकिन अगर आपने इस केस में लोड रिमूव कर दिया, आप ए तक लोड लगाते गए, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था। ए से जैसे ही आप ऊपर गए, आपने बोला लाइन अब सीधी नहीं है, हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। तो कई लोगों ने बोला कि अगर हुक्स लॉ वैलिड नहीं है तो इलास्टिसिटी नहीं होगी, आप इलास्टिक नहीं होगा अब आपका मटेरियल। तो हमने बोला ये तो हम तब पता करेंगे जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद भी आपका मटेरियल ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप और साइज में चला गया, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर है, हाँ कि ना। तो हमने क्या किया, ए से बी के बीच में पहुंचकर अपने फोर्स को हटा दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, छोड़ दिया। तो हमने देखा कि अरे भैया हमारा मटेरियल तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया, किसमें आ गया, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल अभी भी इलास्टिक लिमिट में ही है, ए से बी के बीच में मटेरियल अभी भी इलास्टिक ही है, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है। हाँ, बस वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा ए से बी के बीच में, ठीक है, पक्का 100%। तो जरूरी नहीं है कि अगर मटेरियल इलास्टिक हो तो वो हुक्स लॉ को फॉलो करे, लेकिन अगर हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो मटेरियल इलास्टिक होगा। याद रखना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, जरूरी नहीं है कि मटेरियल अगर इलास्टिक है तो हुक्स लॉ को फॉलो करे, लेकिन अगर हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो मटेरियल इलास्टिक होगा डंके की चोट पर। ये स्टेटमेंट कहीं लिखा ही हुआ नहीं है यहां पर, लेकिन ये सच है, इसको ऐसी चीजों को आपको लिख लेना है, नोट बना लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला बट इफ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी, ओ और बी के बीच में आपने अगर किसी भी पॉइंट पर लोड को हटाया, द कर्व विल बी रिट्रेस्ड, द कर्व विल बी रिट्रेस्ड एंड द मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, अपने ओरिजिनल लेंथ और अपने ओरिजिनल शेप और साइज पर वो वापस आ जाएगा, क्योंकि अभी भी आपका मटेरियल इलास्टिक लिमिट के अंदर था ए से बी के बीच में। लेकिन अब आपको अंदर से बहुत ज्यादा वो थी, आपने और फोर्स बढ़ा दिया, आपके हाथ में तो रेगुलेटर है ना मशीन का, आप तो जितना चाहो उतना फोर्स बढ़ा सकते हो, आपने और रेगुलेटर घुमाया और फोर्स बढ़ाया, स्ट्रेस बढ़ने लगी और आप बी पॉइंट को क्रॉस कर गए। अब आप बी पॉइंट को क्या कर गए, क्रॉस कर गए। तो आप ध्यान से देखो, दिस इज योर बी पॉइंट, खत्म, इलास्टिक खत्म, इलास्टिक लिमिट तोड़ दिया आपने। बी पॉइंट को जैसे ही आपने क्रॉस किया, इलास्टिक लिमिट को क्या कर दिया आपने, खत्म कर दिया, ठीक है। हाँ सर, यार एक चीज जरा ध्यान से सुनना, यहां पर मैं ग्राफ जरा अपना काला वाला, काले पेन से अलग बना लूं, थोड़ा अच्छे से समझ में और आपको आएगा। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन, पहले स्टार्टिंग में आपने लोड लगाना चालू किया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हुआ, ठीक है। ये देखो स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हुआ, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हुआ ए, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ए। इसके बाद आपका मटेरियल, इसके बाद लाइन कैसी हो गई, थोड़ी सी कर्व आपको शो कर दी, कर्व शो करने के बाद देखो क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा। दिस इज योर पॉइंट बी,
एंड दिस इज योर पॉइंट सी। ये कर्व, ये जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ये थोड़ा सा सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सी पॉइंट को बी पॉइंट के थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा बना है तो थोड़ा सा ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे। सो यहाँ पर आएगी आपकी इलास्टिक लिमिट, ठीक। ये होता है आपका, आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप फिर वो अपने बीच का वो टूट जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, फ्लो टूट जाएगा। चलो हाँ, ये मेरा डायग्राम है, ठीक है ना। आओ, अब मैंने ये बोला ए से बी तक मैंने एनालिसिस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ए से बी के बाद क्या होगा, देखो बियॉन्ड बी, अब हमको देखना है भैया बियॉन्ड बी, बियॉन्ड बी क्या होगा, सुनना। अब आपने बोला भाई मेरे हाथ में रेगुलेटर है, मैं और फोर्स बढ़ाऊंगा और स्ट्रेस आके देखूंगा क्या होता है। आप बी के ऊपर चलेगा, जैसे ही आप बी के ऊपर गए तो इलास्टिक लिमिट खत्म हो चुकी है। अब अगर आप अपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे, मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जा पाएगा, मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जा पाएगा, ठीक है। ठीक है सर, पढ़ते हैं बियॉन्ड बी। इफ द वायर इज लोडेड फर्दर, यहाँ वायर लिखा हुआ है या रॉड भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। इफ द वायर इज लोडेड फर्दर, मैंने जो प्रैक्टिकल्स किए हैं, मैंने जो खुद प्रैक्टिकल किए हैं उसमें वो रॉड के माध्यम से किए, रॉड की मदद से किए, ठीक है ना। तो मेरे आंखों देखा प्रैक्टिकल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली देन द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। अब जैसे ही आपने बी पॉइंट को क्रॉस किया, जैसे ही आपने बी पॉइंट को क्रॉस किया, आपने देखा कि सुनो स्ट्रेस उतनी नहीं बढ़ रही जितनी स्ट्रेन बढ़ रही है। देखो आप ना, खुद देखो, या देखो, या देखो ध्यान से देखो, स्ट्रेस इतनी इतनी बढ़ रही है। ये स्ट्रेस है, फिर ये स्ट्रेस थी, फिर ये स्ट्रेस थी, फिर ये स्ट्रेस थी, आप सी तक पहुँचे। लेकिन यहाँ देखो स्ट्रेन ये थी, फिर ये स्ट्रेन थी, फिर ये स्ट्रेन थी, फिर ये स्ट्रेन थी, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेन बढ़ गई, लेकिन स्ट्रेस देखो इतनी सी ही बढ़ी है। सॉरी, तो आपने टेढ़ी लाइन बना दी, अरे बाबा ये देखो सीधी लाइन बना देता हूँ। इतने से स्ट्रेस बढ़ाने के बाद देखो स्ट्रेन कितनी ज़्यादा बढ़ी है। पॉइंट बी को जैसे ही आपने क्रॉस किया, आपका मटेरियल खिंचने लगा, स्ट्रेन ज़्यादा आने लगी, स्ट्रेस कम हो गई। कम स्ट्रेस को बढ़ाने के बाद आपका स्ट्रेन ज़्यादा आया है। पहले क्या हो रहा था, पहले छोटी सी स्ट्रेन के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लग रही थी, लेकिन जैसे ही आपने बी पॉइंट को क्रॉस किया, थोड़ी सी स्ट्रेन, ज़्यादा सी स्ट्रेन के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है, उल्टी चीज़ हो गई। नहीं आया सर, फिर से बताता हूँ। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर थे, यानी कि जब आप ओ से ए तक बात कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको छोटी सी भी स्ट्रेन लानी है तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ रही है। देखो है ना, इतनी सी स्ट्रेन लाने के लिए आपको इतना स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है। ये ए तक चला है ना, ए से बी तक आपकी इलास्टिक लिमिट थी, लेकिन आपने जैसे ही बी पॉइंट को क्रॉस किया, आपने देखा बी पॉइंट को आपने क्रॉस किया तो आपने देखा इतनी सी स्ट्रेस बस बढ़ाई मैंने, और स्ट्रेन कितना बढ़ गया, स्ट्रेन इतना ज़्यादा आ गया है ना। तो अब आपका मटेरियल खिंच ज़्यादा रहा है, उसमें स्ट्रेस कम आ रही है, स्ट्रेस कम लगा रहे हैं, फोर्स कम लगा रहे हैं, फिर भी मटेरियल खिंच रहा है अच्छा खासा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी होगी। When the wire is loaded further, the strain increases rapidly, then the corresponding stress. Strain increases rapidly as corresponding to their stress, ठीक है। If the load is removed from any point beyond B, अगर लोड हम रिमूव कर दें बियॉन्ड बी ले जाकर लोड रिमूव कर दें तो क्या होगा, द वायर डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। मान लो हमने सी पॉइंट पर आके ही क्या कर दिया, अपना डिफॉर्मिंग फोर्स खींच लिया, हटा लिया, तो क्या होगा, द वायर द रॉड डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ बट ट्रेवर्सेज द डॉटेड लाइन सीई अब इसे समझने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो जब आप सी पॉइंट पर पहुंचे, और आपने यहां से लोड रिमूव किया, तो अब आपका जो मटेरियल है वो ओरिजिनल लाइन को रिट्रेस करके ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आएगा है ना, वो क्या करेगा, एक नई लाइन, डॉटेड लाइन बनाएगा, ऐसी सीई, ठीक है ना, कैसी लाइन बनाएगा, एक डॉटेड लाइन बनाएगा सीई, देखो सीई, ठीक, नहीं ई नहीं बोलता, ई ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट है, तो उसको मैं बोल देता हूँ सी ओ, ठीक, सी से ओ, वो भी है यार, वो भी है, वो यहाँ है, इसको वो बोला है हमने, इसको ओ डैश बोल देते हैं। तो जब आपने सी पॉइंट से अपने लोड को रिमूव किया तो वो क्या करेगा, वो अपने ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करके, रीट्रेस करके अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे नहीं पहुँचेगा, वो इस लाल लाइन को, डॉटेड लाइन को, सी ओ डैश को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ आ जाएगा वो। स्ट्रेस आपने जीरो कर दिया, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, स्ट्रेस हो गई जीरो, लेकिन ये क्या है, ये आपको क्या देखने को मिला, वॉट इज दिस,
दिस इज परमानेंट डिफॉर्मेशन, दिस इज परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन। समझ में आई बात? मतलब आपने उसको 4 सेंटीमीटर तक खींचा, पहले लोड हटाया, वो वापस 2 सेंटीमीटर पा गए। मतलब आपके पास मान लो कोई एक स्पेसिमेन है जो 2 सेंटीमीटर का है, आपने उसमें फोर्स लगाया, 3 सेंटीमीटर तक पहुंचा, आपने फोर्स हटा दिया, वो वापस 2 पर आ गया। आपने 4 तक खींचा, फोर्स हटाया, वो वापस 2 तक आ गया। लेकिन जैसे ही आप 4 के ऊपर गए, मतलब जैसे ही आपने उसको 5 सेंटीमीटर तक खींचा और फोर्स लगाया और स्ट्रेस जनरेट की और आपने फोर्स को हटाया, तो हो सकता है वो 5 से 2 तक तो नहीं आए, वो 5 से 4 पर आके रुक जाए। उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? डिफॉर्मेशन आ जाएगा परमानेंट। क्या आ जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, 2% का परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। ये वही चीज़ है। देखो, आपने सी पॉइंट पर आके लोड रिमूव किया तो स्ट्रेस जीरो करने पर स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ, कुछ स्ट्रेन है उसके अंदर, इतना स्ट्रेन है, उसको आप क्या बोल रहे हो? परमानेंट सेट बोलते हैं या परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, पक्का? अरे नहीं समझ में आया बाबा, 2 सेंटीमीटर का स्पेसिमेन था, पहले 2 से आपने उसको खींचा 4 तक, 2 से 3 तक खींचा, ये था 2 सेंटीमीटर, आपने उसको 2 से 3 खींच दिया, है ना, लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर था, तो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो वापस वो क्या बन जाएगा? 2 सेंटीमीटर का बन जाएगा। ठीक, अब आपने बोला और फोर्स लगाओ, और फोर्स लगाओ, तो आपने खींच के इसको कर दिया कितना? 4 सेंटीमीटर का। अब प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट चली गई, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट चली गई, आप इलास्टिक लिमिट में अभी भी हो, ए से बी में हो आप, आपने फिर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो ये 4 सेंटीमीटर से वापस किस में आ गया? 2 सेंटीमीटर पे आ गया। ठीक, लेकिन अब आपने बोला और फोर्स लगाएंगे, आपने और फोर्स लगाया और इसको कर दिया 5 सेंटीमीटर का, कितना कर दिया भाई? इसको कर दिया 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर करने के बाद आपने बोला डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओ, अब आप जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे ये 5 सेंटीमीटर से हो सकता है कितने का हो जाए? वापस 4 सेंटीमीटर का हो जाए। तो उसमें कितने का परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया? 2 सेंटीमीटर का परमानेंट डिफॉर्मेशन है, ये देखो, ये देखो, 2 सेंटीमीटर का परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। ठीक, क्लियर बात है? हाँ सर, अब समझ में आया सर, अब समझ में आया, अब एकदम हमको समझ में आ गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इवन ऑन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस टू 0, अ स्मॉल स्ट्रेन इक्वल टू ओई, ये देखो ओई, इसको ने ओई डैश बोलना चाहिए, ई पॉइंट क्योंकि ऑलरेडी है ना, ओई डैश इज लेफ्ट इन द वायर एंड द मटेरियल इज सेट टू हैव परमानेंट सेट। अब आपका परमानेंट सेट हो गया है मटेरियल, कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। चलिए वेरी वेरी गुड, आ जाओ अब बियॉन्ड सी चलते हैं, सी पॉइंट के ऊपर जाते हैं। अभी हम नहीं माने, अभी भी हम और लगा रहे हैं फोर्स, देख रहे हैं और क्या होता है। तो आपने जैसे ही सी पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाना चालू किया, अब आपने देखा कि भैया स्ट्रेन तो कैसी धड़ाधड़ बढ़ रही है, सी से डी तक देखो स्ट्रेन कैसा फटाफट बढ़ रहा है, स्ट्रेस देखो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन स्ट्रेन कितनी बढ़ रही है, देखो स्ट्रेन कितनी भयानक बढ़ रही है, थोड़े से स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है ना। तो अब पगला गया है आपका मटेरियल, क्या हो गया? आपका मटेरियल पगला गया है। अरे आपने वो देखी है शादी में ज़रूर आना पिक्चर, है शादी में ज़रूर आना में वो देखता है, देखा वो कृतिक अरबंदा छोड़ जाती है तो IAS बन जाता है, पगला नहीं जाता वो एकदम, इतनी पढ़ाई करता है, इतनी पढ़ाई करता है, कलेक्टर ही बन जाता है एकदम, और फिर उसी को मिलने आती है वो, होता है कि नहीं। तो भाई यहाँ तक बहुत, कृतिक अरबंदा के पीछे मटीरियल चला सीधे सीधे, बढ़िया, खूब खुश रहा, है ना, बढ़िया, बी तक भी खुश रहा, सी तक भी चलो मान लिया, कृतिक अरबंदा के पीछे पागल रहा प्यार में वो शादी करने के लिए, लेकिन सी पॉइंट पर कृतिक अरबंदा छोड़कर चली गई। अब जैसे ही कृतिक अरबंदा छोड़कर गई राजकुमार राव को, वो पगला गया और सी से डी तक उसका पागलपन चढ़ा चला, वो अपने पीक पॉइंट पर पहुंच गया, यहां जाकर वो क्या बन गया? कलेक्टर बन गया, समझे। तो सी से डी के बीच में आपका मटेरियल हो जाता है पागल, उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेस दे रहे हो आप तो वो भयानक तरीके से बढ़ रहा है, खींचा चला जा रहा है, खींचा चला जा रहा है। देखो ये, देखो ये डायग्राम, देखो ये डायग्राम, देखो ये वाला, ये डायग्राम देखो, ये जो एकदम से खींच रहा है ना मटेरियल, लंबा हो रहा है, ये वही पॉइंट है, सी से डी वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट है वो? सी से डी वाला पॉइंट, जब ये मटेरियल पतला हो रहा है, देखो लंबा खींच रहा है ना। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सी से डी में आपका मटेरियल पगला चुका है, उसको थोड़ी सी भी स्ट्रेस दे रहे हो आप तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से खींच रहा है, एकदम पतला होता जा रहा है। ठीक है, पक्का? तो यहाँ इस रीजन को बोलते हैं, सी से डी वाले रीजन को बोलते हैं, जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे ना तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इंजीनियरिंग में ये बहुत बड़ा टॉपिक है,
लेकिन अगर मैं आपको यहाँ समझाऊँ, इसके बीच में भी एक दो पॉइंट आते हैं, लेकिन हमको उसको जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानने की जरूरत है कि सी से डी में आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा स्ट्रेन शो करता है छोटे से स्ट्रेस के लिए, एकदम पानी की तरह बहने लगता है मटेरियल, मटेरियल फ्लो करने लगता है, एकदम धागे ऐसा खिंचता जाएगा, खिंचता जाएगा, खिंचता जाएगा, स्ट्रेस थोड़ी सी रहेगी लेकिन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा रहे। ये कहाँ होता है? सी से डी में। चलो, बियॉन्ड सी, इफ द वायर इज लोडेड बियॉन्ड सी, अ लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन इज ऑब्जर्व्ड अंटिल पॉइंट डी, डी पॉइंट तक बहुत ज्यादा स्ट्रेन आपको देखने को मिलती है। देखो ना, आप खुद देखो यार, ये देखो इतना सा स्ट्रेस है, इतना सा स्ट्रेस आपने बढ़ाया, स्ट्रेन कितनी बढ़ी, स्ट्रेन इतनी बढ़ी है, ये देखो इतना, अंटिल पॉइंट डी इज रीच एट विच फ्रैक्चर फेलियर टास्क टेक्स प्लेस। मतलब अगर आपका मटेरियल पॉइंट डी तक पहुंच गया है तो ये मानकर चलो कि उसमें फेलियर अब आएगा ही आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप तो रेगुलेटर से बढ़ाए जा रहे हो फोर्स, बढ़ाए जा रहे हो स्ट्रेस, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो आपने पीक पर पहुंचा दिया। अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ये कहलाती है हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, यहां तक पहुंच जाता है आपका मटेरियल, अब अल्टीमेट है भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इज रीच एट विच फ्रैक्चर फेलियर टेक्स प्लेस फ्रॉम बी टू डी, फ्रॉम बी टू डी द मटेरियल इज सेट टू अंडरगो प्लास्टिक फ्लो। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, अभी आपको बताऊंगा। बी से लेके डी तक बोला जाता है कि आपका मटेरियल प्लास्टिक फ्लो में आ गया, एकदम प्लास्टिक जैसे ऐसे फ्लो कर रहा है ना, समझाता हूँ अभी आप, विच इज इरिवर्सिबल, जो कि इरिवर्सिबल है। अब आप अगर लोड हटा दो, अब आप चाहे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बेटा मटेरियल जितना डिफॉर्म हो गया है वो रहेगा उतना ही, अब तो गया, अब वापस ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ सकता, वो चीज़ इरिवर्सिबल है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, आ गया समझ में सर, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने डी पॉइंट अचीव कर लिया, मैक्सिमम स्ट्रेस दे दी उसको, अब क्या होगा, जैसे ही ये पॉइंट पहुंचेगा ना, ये पॉइंट उसके पास ही होता है, बस यहाँ दिखाने के लिए ई थोड़ा दूर बना है, लेकिन ई इसके पास ही होता है, यहाँ कहीं होता है, जैसे ही आप डी तक पहुँचे एकदम से थोड़ा और मटेरियल आगे खिसकेगा, खट फ्रैक्चर, देखो ना, ये देखो डायग्राम, ये देखो जिफ में देखो, ये देखो, ये लंबा हुआ 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 हुआ, खट टूट जाएगा, ये देखो, ये खट तुरंत फ्रैक्चर आया, ठीक है ना। तो वो कहलाती है हमारी फ्रैक्चर स्ट्रेस, क्या कहलाती है भाई, ये फ्रैक्चर पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रैक्चर स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड योर फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो ये था भाई हमारा मटेरियल, जैसे जैसे उसने अपना बिहेवियर दिखाया, उस पर ग्राफ प्लॉट हुआ, हमने ग्राफ को देख देख के समझा कि अच्छा ये बिहेवियर शो करना चाह रहा था हमारा मटेरियल। आओ आपको कुछ और दिखा दूं जरा फटाफट, देखो इसमें जो ओ से लेके, इसमें जो ओ से लेके बी तक का पोर्शन था ये वाला, है ना, इसको आपने बोला है, इसको आपने बोला है इलास्टिक लिमिट, क्या बोला है आपने इसको, इलास्टिक लिमिट, ठीक। अब बी पॉइंट के बाद तो मटेरियल, बी पॉइंट के बाद तो मटेरियल इलास्टिसिटी खो देता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लगता है, तो बी से लेके डी तक आप बोलते हो कि भैया ये प्लास्टिक लिमिट है, ये क्या है भाई, प्लास्टिक लिमिट है। सर ई तक क्यों नहीं है, क्योंकि ई पॉइंट डी के बहुत पास ही होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता, बिल्कुल पास में होता है, वो दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा दूर बनाया, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो ये पॉइंट भी ले सकते हो, लो कुछ गलत नहीं है इसमें, कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ तक मटेरियल क्या होता है, ये कौन सा रीजन है, दिस इज प्लास्टिक रीजन, है ना, पक्की बात। बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें ये प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनमें प्लास्टिक रीजन बहुत कम होता है, बहुत सारी मटेरियल होता है इसमें प्लास्टिक रीजन होते ही नहीं है, है ना। तो ऐसे मटेरियल जिसमें प्लास्टिक रीजन ज्यादा हो, है ना, प्लास्टिक रीजन ज्यादा हो, जिसमें प्लास्टिक रीजन ज्यादा हो, उसको हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल, क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल, है ना। ऐसा भी बोला जाता है जिसमें स्ट्रेन 5% से ज्यादा हो, क्या हो, जिसमें स्ट्रेन क्या हो 5% से ज्यादा हो, तो हम उसको बोलते हैं क्या, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है ना। चलो अगर किसी में प्लास्टिक रीजन कम हो, मतलब प्लास्टिक रीजन मतलब ये वाला एरिया पोर्शन कम हो, तो हम उस मटेरियल को बोलते हैं भाई कि ये ब्रिटल मटेरियल होगा, क्या होगा भाई, मटेरियल ब्रिटल होगा, जैसे
हमारी लकड़ी हो गई, ग्लास हो गया, ये सब क्या है भाई? ब्रिटल मटेरियल है। कास्ट आयरन हो गया, ये सब क्या है भाई? ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। और भाई कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ इलास्टिक लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट के बाद वो सीधे क्या हो जाते हैं भाई? ब्रेक हो जाते हैं। मतलब उसमें प्लास्टिक रीजन नहीं होता। क्या नहीं होता? प्लास्टिक रीजन नहीं होता, तो हम बोलते हैं भाई वो इलास्टोमर्स हैं। जैसे रबर हो गई, क्या हो गई? रबर हो गई, है ना। ये क्या है भाई? इलास्टोमर्स हैं। रबर, रबर, रबड़ बोलते हैं कई लोग इसको, क्या बोलते हैं? रबड़, है ना। ये होगा इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स, है ना। इनमें क्या होता है भाई? इलास्टिक लिमिट होती है और सीधे फिर ब्रेक हो जाता है। मतलब कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है और सीधे ब्रेक हो जाते हैं, है ना। इलास्टिक लिमिट रहती है, इलास्टिक लिमिट के बाद खत्म। मतलब ये बी डी का ज़्यादा ग्रैप होता ही नहीं है, उसमें प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है, है ना। आप बोलोगे सर प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है तो ब्रिटल मटेरियल क्यों नहीं है? भाव ब्रिटल में थोड़ा सा प्लास्टिक रीजन होता है, थोड़ा सा ही हो, लेकिन होता है, कम होता है, फट से टूट जाएगा वो, है ना। चलिए भाई, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए, बहुत अच्छे समझ गए कि ये होता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। बहुत काम आता है भाई। जो लोग आगे जाके एमटेक करते हैं, जो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ते हैं, जो मटेरियल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, है ना, या मटेरियल साइंस पढ़ते हैं, वो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील में डिस्कस करते हैं, है ना। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको इतना ज़रूरी नहीं है ना। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं कर दूँ क्लियर भाई। ये सारी चीज़ें हम क्या कर चुके हैं भाई? पढ़ चुके हैं। अब आप देखो कि स्ट्रेन यहाँ 30% तक भी है बाबा। एक प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी, एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी से आप किसी मटेरियल को वायर बना सकते हो, ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जिससे उसको खींच के टेंसाइल फोर्स लगा के उसे वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे डक्टिलिटी बोलते हैं। ऐसे मटेरियल जिन पे कंप्रेसिव फोर्स लगा के आप उसे शीट में कन्वर्ट कर पाओ, किसमें कन्वर्ट कर पाओ? शीट में, पतली सी शीट में कन्वर्ट कर पाओ, उसको बोलते हैं कि वो मटेरियल मेलिएबल मटेरियल है, है ना। मेलिएबिलिटी तब होती है जब कोई मटेरियल के अंदर स्ट्रेन कितनी हो जाए? 25% से ऊपर चली जाए, है ना, 25% से ऊपर चली जाए। 5% से ऊपर हो तो डक्टाइल होता है मटेरियल, 25% से ऊपर हो तो मटेरियल क्या हो जाता है भाई? मेलिएबल हो जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बस बताने के लिए बता रहा हूँ मैं, बस इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत इसमें नहीं है। बता दूँ? बता दीजिए सर। तो ये हो गया भाई हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। आगे बढ़िए सर। चलो भाई, कुछ नोट पॉइंट है और यहाँ पर कुछ और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो मैंने आपको बनाकर दिखाया है। देखो, कंक्रीट का एकदम कम सा है ना, एल्यूमिनियम का उससे ऊपर है। अब देखो, एल्यूमिनियम में इलास्टिसिटी होगी, ऐसा नहीं है कि इलास्टिसिटी नहीं होगी, लेकिन वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो अब आप इसमें कैसे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बताओगे, कैसे इलास्टिक लिमिट बताओगे? तो इसके लिए अलग प्रोसेस होती है। यहाँ पर एक प्रूफ स्ट्रेस की बात होती है, नहीं जानना हमको, है ना। कास्ट आयरन का ये डायग्राम है और हाई कार्बन स्टील का ये डायग्राम है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फॉर द हार्ड मटीरियल लाइक हाई कार्बन स्टील कास्ट आयरन, पॉइंट्स ए एन बी आर इनडिफरेंशियबल, पॉइंट्स ए एन बी आर इनडिफरेंशियबल। जो ब्रिटल मटीरियल है, कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटीरियल, तो पॉइंट ए और बी जो है वो इनडिफरेंशियबल है। कोई आपको पता नहीं चलेगा कि पॉइंट ए और बी में कोई सिग्निफिकेंट दूरी आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। द मटीरियल विथ लार्ज रीजन बी डी, द मटीरियल विथ लार्ज रीजन बी डी, कहाँ गया बी डी? लार्ज रीजन बी डी, ठीक है। जिन मटीरियल में लार्ज रीजन बी डी होता है विल बी मोर डक्टाइल एंड स्मॉल रीजन ऑफ बी डी। मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसमें जितना प्लास्टिक रीजन होगा वो मटेरियल उतना ज़्यादा डक्टाइल होगा। ये चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, प्लास्टिक रीजन ज़्यादा, बता चुका हूँ शायद, है ना। अब लिख दिया तो लिख देता हूँ, प्लास्टिक रीजन ज़्यादा, जितना ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल उतना ज़्यादा, या डक्टिलिटी उतनी ज़्यादा, डक्टिलिटी उतनी ज़्यादा। डक्टिलिटी आप समझ गए ना क्या प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की? वो प्रॉपर्टी जिस पर टेंसाइल फोर्स लगा के आप उसे वायर बना पाओ, ठीक है। मतलब अगर आपको मैं एक प्रोसेस होती है ड्राइंग प्रोसेस बोलते हैं, जिससे आप वायर्स बनाते हो, है ना। उसमें क्या होता है, आप डालते हो पीछे से अपने मटेरियल को और वो पतला सा होल होता है, उससे मटेरियल वायर बन के निकलता है ना। तो वो क्यों हो पाता है? क्योंकि उसमें प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, एंड स्मॉल रीजन ऑफ बी डी इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल। बता चुका हूँ मैं आपको, सेकेंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट। रबर पजेसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रबर पजेसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है उसमें, बट इट डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करती है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर जो रबर का बनाया था, रबर का कुछ ऐसा बनेगा यार, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है रबर का, है ना, कुछ ऐसा बनेगा। सीधी लाइन नहीं आएगी उसमें, सीधी लाइन नहीं आएगी, ऐसा बनना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो अब रबर हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता, ये कैसी बात कर दी? रबर हुक्स लॉ फॉलो क्यों नहीं करता? इसके पीछे यार अपनी अपनी थ्योरी है। एक थ्योरी होती है रोटेशन की, एक थ्योरी होती है स्ट्रेचिंग की।
वो मटेरियल जिसमें इलास्टिसिटी स्ट्रेचिंग के कारण आती है वो सब हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। बट रबर क्या है, एक टाइप का पॉलीमर है, इलास्टोमर है, उसमें जो भी इलोंगेशन आता है वो रोटेशन के, जो हमारे उसके बीच के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में रोटेशन होता है और उसके कारण क्या आता है, उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन आता है। तो इस थ्योरी के कारण वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। जानना जरूरी नहीं है लेकिन मैं आपको कहानी की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये भी आप समझ गए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नोट पॉइंट इलास्टिसिटी से रिलेटेड। द बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स, अब देखो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि एक मटेरियल ए है एक मटेरियल बी है, दोनों पर स्ट्रेस, दोनों ही मटेरियल पर स्ट्रेस कितनी जनरेट हुई है, सिग्मा, बट इसमें स्ट्रेन आया है एप्सिलन ए, इसमें आया एप्सिलन बी, और एप्सिलन ए एप्सिलन बी से ज़्यादा बड़ा है, तो बताओ किसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, क्वेश्चन पूछा था, वही नोट है। द बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स टू प्रोड्यूस सर्टेन चेंज इन इट्स डायमेंशन, जिस मटेरियल में सर्टेन चेंज लाने के लिए, मान लो 1 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन लाना है, कोई एक मटेरियल है उसमें 1 सेंटीमीटर का, चलो यही समझाता हूं मैं, बहुत प्यार से समझ में आएगी अब चीज आपको। देखो ये ए मटेरियल है, ए मटेरियल में 1 सेंटीमीटर डिफॉर्मेशन लाने के लिए आपको 10 मेगापास्कल का स्ट्रेस जनरेट करना पड़ जाता है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन आने से इतना स्ट्रेस जनरेट होता है। एक बी मटेरियल है, उसमें 1 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन लाने के लिए आपको 20 मेगापास्कल का स्ट्रेस जनरेट करना पड़ता है, तो बताओ किसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। पढ़ते हैं, द बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स टू प्रोड्यूस अ सर्टेन चेंज इन इट्स डायमेंशन इज सेड टू बी मोर इलास्टिक। एग्जाम्पल, आइवरी एंड स्टील बॉल्स आर मोर इलास्टिक देन रबर। आई बात समझ में, क्योंकि भाई स्टील बॉल्स और आइवरी में आपको जो डिफॉर्मेशन लाना है उसके लिए आपको बहुत स्ट्रेस लगेगी, इसलिए उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। लेकिन भैया अगर आप रबर की बात करोगे तो रबर में अगर आपको 1 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन लाना है तो इतने स्ट्रेस की जरूरत थोड़ी ना है, वो जो थोड़े से फोर्स से ही आ जाएगा, तो वो इलास्टिसिटी ज्यादा है लेकिन उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, ठीक है। चलो, अब आपको समझ में आया कि सिग्मा अपॉन एप्सिलन से हम पता लगाते हैं कि किसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, और जितना ज्यादा स्लोप होगा, ये बात देखो कितनी प्यारे तरीके से आपको समझ में आएगी कि जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ये लाइन स्ट्रेस के पास झुकेगी और उतना ही कम स्ट्रेन के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस लगेगी, कम स्ट्रेन के लिए ज्यादा स्ट्रेस लगेगी, तो उतना ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनेगी। वेरी गुड यार, वाह कितना प्यारा है ना, कितने प्यारे तरीके से कनेक्ट होती हैं सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी है, हमने देखा है इसको, इसलिए समझने में बहुत आसानी होती है। आइए, व्हेन इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडीज, सेम डिफॉर्मिंग फोर्स आप दो डिफरेंट बॉडीज पर लगा रहे हो, द बॉडी विच शोज लेस डिफॉर्मेशन इज मोर इलास्टिक। वही बात है, सेम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाने के बाद जिसमें हमको डिफॉर्मेशन कम दिखा वो ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल, फॉर सेम लोड मोर इलोंगेशन इज प्रोड्यूस्ड इन रबर वायर देन इन स्टील वायर, हेंस स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, पक्की बात है। सेकंड, द वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर एज वॉल्यूम चेंज इन वाटर इज लेस फॉर सेम अप्लाइड प्रेशर। जानते हैं हम कि अगर आप वाटर और एयर को कंप्रेस करने की कोशिश करो तो वॉल्यूम उतना चेंज नहीं होगा जितना एयर में हो जाएगा, तो वाटर ज्यादा इलास्टिक माना जाता है, ठीक है। चलिए, द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इन स्ट्रेन। अब ऐसा नहीं है कि 20 मेगा पास्कल से 30 मेगा पास्कल कर दूं अगर मैं स्ट्रेस तो भाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बदल जाएगा, वो एक कांस्टेंट है जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस ज़्यादा लगाया, जैसे मान लो आपने माइल्ड स्टील की मोटी सी रॉड बनाई और आपने माइल्ड स्टील का वायर बनाया, मटेरियल सेम है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई वायर को तोड़ने के लिए तो कम फोर्स लग रहा है, रॉड को तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होना चाहिए रॉड की। नहीं, मटेरियल तो सेम है ना। अब आप उस मटेरियल से चाहे वायर बना लो, चाहे उस मटेरियल से आप रॉड बना लो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वही रहेगी, ठीक है। वही पॉइंट लिखा है, द वैल्यू ऑफ मॉडुलर इलास्टिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है। चलिए, बहुत ही प्यारे तरीके से हमने ये भी बात समझ ली। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ गया भैया इलास्टिक हिस्टेरेसिस। अंग्रेजी छोड़ेंगे, मतलब समझेंगे। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है भैया लैगिंग बिहाइंड,
क्या मतलब होता है? हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी मटेरियल पर डिफॉर्मेशन के लिए कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, ऑब्वियस सी बात है डिफॉर्मेशन करने के बाद आप क्या करोगे भाई, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लोगे। अब भैया मान लीजिए इलास्टिक लिमिट के अंदर थी आपकी बॉडी, क्या थी आपकी बॉडी पर जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स तब तक लगाया जब तक वो इलास्टिक लिमिट के अंदर थी। वैसे तो हम बात करते हैं ज़्यादातर ये इलास्टोमर्स के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, इलास्टोमर्स के लिए। तो आपको पता है भाई इलास्टोमर में तो बहुत आप हज़ार रबर का मैंने आपको बताया ना, 1000 times तक आप उसको स्ट्रेन कर दो तब भी वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाती है। ठीक, बात सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक, कोई बॉडी है, सिंपल सी बात, कोई बॉडी है, इस पर आपने क्या किया, कोई मास लटका दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया भाई, है ना, अच्छा खासा हैवी मास लटका दिया, अच्छा खासा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, जिसके कारण क्या हुआ भाई, ये इलोंगेट हुआ, क्या हुआ भाई, ये इलोंगेट हो गया। ठीक है, ओफो, इलोंगेट हो गया, इलोंगेट होके वो यहां तक आया, ठीक है ना, चाहिए यहां तक डिफॉर्मेशन हुआ, सॉरी यहां तक डिफॉर्मेशन हुआ, यहां तक, ठीक है ना, दिस इज डिफॉर्मेशन, जिसको मैं डेल भी बोलता हूं, यह है टोटल लेंथ एल। अब भाई L से डेल L आ गया, एक डिफॉर्मेशन हुआ, मैंने क्या किया, मैंने इसको अनलोड कर दिया, अब हटा दिया इस मास को, तो इस पर लगने वाला फोर्स हो गया खत्म, तो ये क्या होगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। बट मैंने तो वर्क कर दिया ना, मैंने तो वर्क कर दिया, मैंने उस पर फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, डिफॉर्मेशन आया, तो भाई मैंने तो उस पर वर्क कर दिया, जो मैंने उस पर वर्क किया वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के नाम पर उसमें सेव होता रहा, और जैसे ही मैंने उस फोर्स को रिलीज किया, हटाया, तो भाई उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो अनलोडिंग साइकिल के समय एज अ फॉर्म ऑफ हीट रिजेक्ट हो गई। यानी कि जब भी आप कभी किसी बॉडी पर लोडिंग करके अनलोडिंग करते हो तो कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन के कारण जो भी आपने उस पर वर्क परफॉर्म किया था, जो भी एनर्जी सप्लाई की थी, वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू द रीजन ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, ये बात याद रखना। अब जैसे मान लो ये जो मैं लोडिंग अनलोडिंग कर रहा था उसको जब मैंने कर्व के फॉर्म में देखा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, तो मैंने देखा, अब जैसे ये कर्व बना है ना, ये किसके लिए बना है, ये बना है इलास्टोमर के लिए, किसके लिए, इलास्टोमर्स के लिए। यहाँ पर मैंने इलास्टोमर नहीं लिया, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि क्या होती है लोडिंग और क्या होती है अनलोडिंग। अगर मैं इलास्टोमर्स की बात करूँ, स्पेलिंग में ई होता है इलास्टोमर, है ना। अब जैसे मान लो रबर की मैं बात करूँ, तो भाई मैंने उसमें लोडिंग की, तो वो लोडिंग जो हुई वो किस पाथ को फॉलो करते हुई भाई, जो लोडिंग हुई है रबर में मान लो, वो किस पाथ को होते हुई हुई है, ओ ए बी पाथ को। ठीक, उसके बाद मैंने जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था उसको हटा लिया, अनलोडिंग कर दी मैंने, क्या कर दी भैया, अनलोडिंग कर दी। ठीक, जब मैंने अनलोडिंग करी तो मैंने देखा कि भाई अनलोडिंग जो हुई है वो सेम पाथ से नहीं हुई, वो बी ए सी बी ए ओ से वापस भी आ सकता था, लेकिन वो बी ए ओ से वापस नहीं आया, वो किस पाथ से वापस आया, बी सी ओ से। किससे वापस आया भाई, वो बी सी ओ से। क्या ये दोनों पाथ सेम है, नहीं, ये दोनों पाथ सेम नहीं है। और ऐसा होने के बाद मैंने ये भी देखा, क्या देखा भाई मैंने ऐसा होने के बाद, कि भाई मान लो यार स्ट्रेस की एक वैल्यू है सिग्मा वन, इस सिग्मा वन पे मैंने देखा, एक तो स्ट्रेन की वैल्यू ये है भाई, एक तो स्ट्रेन की वैल्यू ये है एप्सिलॉन वन, और एक वैल्यू भैया इसी स्ट्रेस पर क्या है, ये है एप्सिलॉन टू। तो यहां पर एक ही स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन की कितनी वैल्यू दिखी मुझे, दो वैल्यू दिखी। ठीक है, ओके, इसी चीज को बोलते हैं कि एक ही स्ट्रेस की वैल्यू के लिए जब आपको दो स्ट्रेन की वैल्यू मिलती है तो आप बोलते हो यहां स्ट्रेन इज लैगिंग बिहाइंड स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको, लैगिंग बिहाइंड। कौन लैगिंग बिहाइंड कौन कर रहा है भाई, स्ट्रेन कर रहा है, स्ट्रेन इज लैगिंग बिहाइंड स्ट्रेस, स्ट्रेन इज लैगिंग बिहाइंड स्ट्रेन। मेरी बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई। अब भैया आपने जो इस पे वर्क परफॉर्म किया था, है ना, आपने जो इस पे वर्क परफॉर्म किया था वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के नाम पर, अभी आपको समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जब भी आप एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम निकालते हो तो वो आपको स्ट्रेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देता है, आगे जाके समझेंगे, अभी आपने पढ़ा नहीं है तो उसको दिमाग में बिल्कुल भी जोर मत डालो, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो। कि जब आपने लोडिंग की और अनलोडिंग की तो आपने देखा कि एक इनक्लोज्ड कर्व बन रहा है, क्या बन रहा है, कि इनक्लोज्ड एरिया आ रहा है आपके पास, है ना, लोडिंग और अनलोडिंग मिलकर आपको एक इनक्लोज्ड एरिया दे रहे हैं।
ये एनक्लोज्ड एरिया जो है, ये जो एनक्लोज्ड एरिया है, दिस एनक्लोज्ड एरिया गिव्स यू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिलीज्ड एज हीट हीट के फॉर्म में क्या हुई है, ये रिलीज हुई है, यह एरिया आपको बता रहा है। अब मान लो कभी आपके पास मैं एक एग्जांपल दूं कि आपने देखा होगा ड्रिलिंग मशीन, देखी आपने ड्रिलिंग, जहां ड्रिल होता रहता है, ऐसे बहुत बड़े बड़े कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं जहां लगातार ड्रिलिंग चलती रहती है। मान लो एक तीन माले की बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर पे किसी का शोरूम है, किसका, एसी का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, एक पूरा ऐसा शोरूम है, टीवी भी लगी हुई है। सेकेंड फ्लोर पे किसी आदमी ने ड्रिलिंग की वर्कशॉप खोल ली, मतलब एक साथ वहां मान लो 50 ड्रिलर चल रहे हैं, ड्रिल चल रहे हैं गड़ 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 करके, बहुत सारे ड्रिल्स हो रहे हैं। तो भाई नीचे वाले फ्लोर पे जो आदमी है ग्राउंड फ्लोर पे, वो तो यही बोलेगा ना कि यार दिन भर आवाज़ आती रहती है, यहाँ वाइब्रेशन फील होते रहते हैं, धूल जड़ती रहती है ऊपर से, तो बोलेगा कुछ करो यार। तो क्या करेगा इंसान जो फर्स्ट फ्लोर पे है, जिसने ड्रिलिंग की वर्कशॉप खोली है, वो नीचे जमीन पर मोटे मोटे ऐसे रबर के, मोटे मोटे थिक रबर के क्या बिछा देगा, पैड बिछा देगा। वो पैड क्या करेंगे, वो पैड वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या होगा, जब अनलोडिंग होगी तो वो उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। समझे मेरी बात, इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। क्लियर है? तो यहां पर जो आपको एनर्जी, यहां पर जो आपको एरिया दिख रहा है, वो वही स्टोर्ड एनर्जी दिखा रहा है जो पर यूनिट वॉल्यूम पे होगी और जो क्या होगी, एज अ फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो इसके एरिया के थिकनेस से, यानी कि अगर आपको ये एरिया बड़ा दिखे तो आप समझ जाना कोई हैवी ड्यूटी काम हो रहा है, और अगर आपको ये एरिया कम दिखे तो आप समझ जाना कि छोटा काम हो रहा है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई। यही होता है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है हमेशा स्ट्रेन क्या करती है, स्ट्रेस के पीछे छूट जाती है। स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड स्ट्रेस। अंग्रेजी पढ़ते हैं, सम मटेरियल्स लाइक रबर कैन बी स्ट्रेच टू ओवर 6 to 7 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, पता है हमको। ठीक है, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड इलास्टोमर्स, पता है हमको। When unloaded, जब material को unload किया जाता है, the material is restored to its original length, पता है हमको, सब पता है हमको। But any stage of loading and unloading, किसी भी stage पर loading and unloading है, किसी भी stage पर strain is not proportional to stress, क्यों? क्योंकि ये elastomer है भाई, elastomer के लिए Hooke's law की validity नहीं होती, है ना? हाँ, ठीक है। The fact that stress strain curve is not retraced on unloading is known as elastic hysteresis. जो लोडिंग और अनलोडिंग कर्व होते हैं वो सेम पाथ को ट्रेस नहीं करते, उनके बीच में गैप आ जाता है, एरिया आ जाता है, और उसी एरिया को इनक्लोज, उस एरिया को जब आप निकालते हो तो आपको पता चलता है कि इट इज़ एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिलीज्ड एज हीट। ठीक है, अच्छा, इसको बोलते हैं भाई एक साइकिल, ओ ए बी से लेके बी सी ओ, इसको एक साइकिल बोलते हैं, लोडिंग अनलोडिंग को एक साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका एरिया आपको एक साइकिल में, एक लोडिंग साइकिल में स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिलीज्ड एज हीट आपको बताएगी। आई बात समझ में? ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी देख लेते हैं। आइए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्ट्रेन परसिस्ट इवन वेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड एंड दस लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस, बता चुका हूं आपको। स्ट्रेन, नेक्स्ट पॉइंट, द स्टील इज हाईली इलास्टिक मटेरियल, इट इज मोर इलास्टिक देन रबर, बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि सेम डिफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लगती है किसमें, स्टील में। अगर आपको इलास्टिक रबर, अगर आपको रबर में 1 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन लाना है, आपको स्टील में 1 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन लाना है, किसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किसमें ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगी, स्टील में। इसलिए स्टील का इलास्टिक मॉड्यूलस, या मैं बोलूँ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, रबर रिमेन्स इलास्टिक इवन फॉर अ स्ट्रेन ऑफ ऑर्डर ऑफ 1000, मतलब 1000 की भी स्ट्रेन आ जाए तो भी आपकी रबर क्या रहती है, इलास्टिक रहती है। आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओ, रबर अपनी ओरिजिनल शेप साइज में वापस आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, बता चुका हूं मैं आपको कि जब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप टेम्परेचर दोगे तो वो कम होने लग जाती है। ठीक है, एज राइज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन जनरल वीकनिंग ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, पता है हमको। एंड फॉल इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन देयर स्ट्रेंथनिंग, आप ठंडा करोगे तो उसकी स्ट्रेंथनिंग होने लगेगी इलास्टिक मॉड्यूलस की, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ और रेडियस ऑफ वायर, बाबा
अगर स्टील का वायर है या स्टील की रॉड है इतनी मोटी, दोनों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि भाई पतली सी वायर है तो उसका ई कम कर दो, मोटा सा रॉड है उसी मटेरियल का तो उसकी ई ज़्यादा कर दो। ना 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 भाई, मटेरियल डिपेंडेंट है वो, ये रेडियस ऑफ वायर या लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट, सॉलिड्स आर द मोस्ट इलास्टिक एंड गैसेस आर द लीस्ट इलास्टिक। आपको वही लगता है सोच के कि भैया गैस को ज़्यादा इलास्टिक होना चाहिए, लेकिन गैस में डिफॉर्मेशन लाना आसान है, गैस में डिफॉर्मेशन लाना आसान है, उसके लिए कम स्ट्रेस लगती है, लेकिन सॉलिड में उतना ही डिफॉर्मेशन लाने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस लगती है, इसलिए सॉलिड ज़्यादा इलास्टिक है, दिमाग में रखना, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है। नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स बट नॉट फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। पता है हमको यंग्स मॉडुलस जो है वो किसके लिए डिफाइंड है, सॉलिड्स और सॉलिड्स के लिए बस, लिक्विड्स और गैसेस के लिए नहीं। द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इंक्रीजेस, यार ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए मे इंक्रीज। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ सकती है अगर आप किसी मटेरियल में इम्प्योरिटी डालो। अब वो कैसी इम्प्योरिटी है, अच्छा मतलब अगर वो इलास्टिक इम्प्योरिटी है तो भाई वो बढ़ा देगी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर नहीं है तो गिरा देगी। ठीक है, लास्ट लास्ट ये जो पॉइंट है इसको हम पढ़ेंगे, एक पूरा टॉपिक है हमारा ये, जिसको हम जिसमें हम डेरिवेशन करेंगे और इस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। क्या, द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में आपको एक ग्राफ प्लॉट करो और उसका एरिया निकालो, तो आपको वो आपको वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बताता है। ठीक है ना, जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम रिलीज एज हीट होती है। ठीक है, चलो इसको अभी आप थोड़ा दिमाग में रखिए, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, आओ। क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिए गए हैं, यह है मटेरियल ए, यह है मटेरियल बी, दोनों का आपको क्या बताना है, जो जो वो पूछेगा, वो पूछ रहा है कि बताओ विच मटेरियल हैज ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। कैसे पता चलेगा भाई, हम जानते हैं अगर आप ग्राफ देखकर यंग्स मॉडुलस बताना चाहते हो तो आपको ग्राफ का स्लोप देखना पड़ेगा अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, हाँ कि ना। हाँ सर, तो आओ देखते हैं भाई, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये देखो पी पी, किसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, किसका थीटा ज़्यादा दिख रहा है, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, तो आप देख कर ही बता दोगे कि थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू। ओहो, वेयर इज रबर, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, ये आप देख कर ही बता दोगे, हाँ कि ना। तो यहाँ से समझ में आ गया कि मटेरियल स्लोप ऑफ मटेरियल ए, स्लोप ऑफ मटेरियल ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ मटेरियल बी। इसका क्या मतलब है कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ए का वो बी से ज़्यादा है। भाई मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, गामा से नहीं करता, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैं ई से बताता हूँ, गामा से नहीं बताता, कन्फ्यूज मत होना। तो पहला आंसर हमने कर लिया भाई। सेकेंड, विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल, जिसमें प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होगा वो मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल होगा, मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल बताया है, किसमें प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है, ये देखो, ये देखो डी वन, ये देखो डी टू, तो हम बोलेंगे भैया डी वन इज ग्रेटर देन डी टू, तो इसका मतलब है मटेरियल ए इज मोर डक्टाइल, डक्टाइल ही पूछ रहे ना, हाँ मटेरियल ए इज मोर डक्टाइल, इज मोर डक्टाइल, कुछ गलत कहा मैंने, नहीं, प्लास्टिक रीजन जिसमें ज़्यादा होता है वो ज़्यादा खिंचता है, वो ब्रेक होने से पहले ज़्यादा खिंचता है, खिंचता जाता है और फिर जाके ब्रेक होता है, तो उसमें प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मटेरियल ए डक्टाइल है। जो मटेरियल के अंदर प्लास्टिक लिमिट कम हो, मतलब वो ज़्यादा खिंचे नहीं, सीधे ब्रेक हो जाए, ज़्यादा खिंचे नहीं और ब्रेक हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है भाई, ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि इनमें से कौन ज़्यादा ब्रिटल है, तो आप बताते कि भाई बी ज़्यादा ब्रिटल है। चलो नेक्स्ट, विच इज मोर ब्रिटल, वो पूछ ही रहा है, लो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, कौन ज्यादा ब्रिटल है भाई, मटेरियल बी इज मोर ब्रिटल, सीधा आंसर है, विच इज मोर ब्रिटल, मटेरियल बी, क्योंकि इसमें प्लास्टिक रीजन कम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्ग मटेरियल, इज द स्ट्रॉन्ग मटेरियल, बाबा स्ट्रॉन्ग मटेरियल आप देखते हो अल्टीमेट स्ट्रेस से, स्ट्रॉन्ग मटेरियल आप कैसे जज करते हो ग्राफ में देखकर, अल्टीमेट स्ट्रेस से, किससे, अल्टीमेट स्ट्रेस, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंचा है तो फिर तो ब्रेक होना ही होना है। अब आप देखो इसमें अल्टीमेट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा पहले ही आएगा फ्रैक्चर के, है ना, ये थोड़ा नीचे जाना चाहिए, ये अल्टीमेट है, ये थोड़ा नीचे जाना चाहिए, तो आप देखो कि दोनों ही ग्राफ को अगर आप मिलाओगे तो अल्टीमेट स्ट्रेस किस में, किसकी ज़्यादा हाइट है, इसकी ज़्यादा हाइट है, ये देखो,
है ना, तो हम बोलेंगे कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तो हम बोलेंगे मटेरियल बी इज मोर स्ट्रांग, ठीक, मटेरियल बी इज मोर स्ट्रांग। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें अल्टीमेट स्ट्रेस ज्यादा हो, हाईएस्ट पॉइंट पीक जिसमें सबसे ज्यादा होगा, आप उसी को बोलोगे कि वो स्ट्रांगेस्ट मटेरियल है। पक्की बात है, 100%, हाँ सर, ठीक है। इसमें आप देखो पीक ज्यादा ऊपर इसका है, इसका पीक कम है, है ना, हाँ सर। चलो भाई, ये चारों हमने अपने सूझ समझ से, बूझ और समझ से क्या कर लिए, खत्म कर लिए क्वेश्चन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर आर फाउंड टू हैव द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स एज शोन इन द फिगर। दो अलग अलग रबर के हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट किए हैं। द एरिया ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन इन लोडिंग द मटेरियल एंड देन अनलोडिंग इट। पता है आपको कि इसके अंदर जो एरिया आएगा वो आपको क्या बताता है, बहुत अच्छी चीज यहाँ लिखी हुई है। द एरिया ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन इन लोडिंग मटेरियल एंड देन अनलोडिंग इट। कितना आपने वर्क किया उसको लोड और अनलोड करने में, वो बताता है आपको, ठीक है ना। और उसके बाद उसको हीट कितना रिलीज भी करना है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट, विच ऑफ द टू रबर मटेरियल्स वुड यू चूज फॉर अ कार टायर्स। भाई किसको आप यूज करोगे कार टायर बनाने के लिए, बताओ भाई, कार टायर। और दूसरा ऑप्शन सुनना, अ हैवी मशीन इज टू बी इंस्टॉल्ड इन अ फैक्ट्री टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशन ऑफ द मशीन। तो भाई किसमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, किसमें ज्यादा वर्क लगेगा, कार पे या जो एक हैवी इंडस्ट्री है उस पे? तो आप बोलोगे जो हैवी इंडस्ट्री है, जहाँ ड्रिलिंग हो रही है, कटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, उधर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आएंगे, तो उधर आपको ऐसी रबर इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके हीट के फॉर्म में रिलीज करता जाए, क्योंकि उस पर वर्क तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रहे हैं, है ना। तो मैं बोलूँगा भाई, जो ये रबर बी है वो हैवी मशीन्स के लिए यूज़ होनी चाहिए, जो रबर बी है वो हैवी मशीन्स के लिए यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि भाई उसका एरिया ज़्यादा है, है ना, ज्यादा वर्क होगा, ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी और एज अ फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगी। लेकिन कार पर उतना वाइब्रेशन नहीं आना, कार पर उतना इंपैक्ट नहीं आना जितना आना है हैवी मशीनरी के कारण। तो कार के लिए आप ये वाली रबर यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें कम उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा जितना हैवी मशीनरी के कारण आएगा, ठीक है। तो आप रबर ए यूज करोगे इसके लिए, रबर ए इसके लिए और रबर बी इसके लिए, क्लियर? हाँ सर, क्लियर है, एकदम परफेक्ट क्लियर है सर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है जेई में, है ना, थोड़ा स्मार्ट बन गए हैं वो, कोई बात नहीं। देखो डायग्राम नहीं बना हुआ, डायग्राम मैं बना देता हूँ। क्या हुआ है ना क्वेश्चन में, हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, जिसमें हमारी स्ट्रेन होती थी एक्स एक्सिस पे और स्ट्रेस होता था वाई एक्सिस पे। अब उनने क्या किया, उनने बोला भाई कि स्ट्रेन आप ले लो वाई एक्सिस पे और स्ट्रेस आप कर दो एक्स एक्सिस पे। डायग्राम उल्टा बना, पलटा दिया और बोला उस पर दो ग्राफ बन रहा है भाई, बड़ी सुंदर दिखती हो, ऐसे करके ग्राफ बना दिया, ठीक है ना, ऐसा ऐसा, अरे यार नहीं, ऐसा सीधी लाइन ये, और क्या हो रहा है पेन को, ऐसा करके एक डायग्राम बना दिया। पेन क्यों अटक रहा है, अरे क्या हो गया पेन महाराज, गुस्सा हो क्या हमसे, ठीक, ऐसे करके एक डायग्राम बना दिया। यह है हमारा पी, ठीक है ना, यह है हमारा पी और एक ऐसा बना दिया है क्यू, ठीक है ना, ये ऐसा क्यू बना दिया। अब उसने पूछा है भाई आपसे चार पांच क्वेश्चन एक के बाद एक, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख करके आपसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं। तो भाई अब आपको क्या करना है भाई, जवाब देना है उसका, ठीक है, तो दे दो भाई जवाब दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। वो पूछ रहा है P has more tensile strength, P is more ductile, P is more brittle, modulus of elasticity of P is more than that of Q. एक एक चीज़ करके डिस्कस करते हैं। P has more tensile strength. Tensile strength मतलब उस पर टेंशन का फोर्स लगा के उसको वायर बनाया जा सकता है, मतलब बात हो रही है डक्टिलिटी की। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है डक्टिलिटी की। मुझे आप बताओ कि कौन ज़्यादा डक्टाइल है, P या Q? आपको दिखेगा आराम से कि P में प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है, ज़्यादा प्लास्टिक रीजन है पी के लिए, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि पी हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है, ये बात क्या है, एकदम करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, पी इज मोर ब्रिटल, पी इज मोर ब्रिटल, पी इज मोर, सॉरी पी इज मोर डक्टाइल, हाँ भाई
पी इज मोर डक्टाइल, भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है हम जानते हैं कि इसलिए क्या होगा डक्टाइल होगा, ये बात भी सही कही है आपने क्योंकि इसके पास क्या है भाई प्लास्टिक रीजन ज्यादा है। नेक्स्ट पी इज मोर ब्रिटल, नहीं नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, जब पी ऑलरेडी डक्टाइल हो चुका है तो पी फिर ब्रिटल नहीं होगा। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पी इज मोर देन दैट ऑफ क्यू, भाई ऐसे देखो डायग्राम को यहां से देखो आपको किस लाइन का स्लोप ज्यादा दिख रहा है, अगर स्ट्रेन यहां होता स्ट्रेस यहां होती तो डायग्राम अलग बना होता। आप मान लो आप ऐसे देख रहे हो डायग्राम को तो आपको इस लाइन की स्लोप ज्यादा दिखेगी क्यू वाले की, हाँ कि ना, हाँ क्यू की आपको स्लोप ज्यादा दिखेगी, स्लोप ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पी, देख के लगा आपको, देख के दिख रहा है। नहीं समझ में आया अगर तो चलो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, देखो इस डायग्राम का अगर आपसे मैं पूछूं स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ दिस डायग्राम क्या है, स्लोप क्या होगी इस केस में, वाई बाय एक्स होती है तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस होगी, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस होगी, मतलब ये किसके बराबर होगा, वन अपॉन ई के बराबर, हाँ कि ना, हाँ। तो हम बोल सकते हैं आपने बोला स्लोप ऑफ क्यू और स्लोप ऑफ पी में आपको किसकी स्लोप ज्यादा दिख रही, तो आपने बोला स्लोप ऑफ क्यू आपको ज्यादा दिख रही है, नहीं अरे भाई इंक्लाइंड ज्यादा दिख रहा है, सॉरी जब आप स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस डायग्राम देखोगे, है ना, अब अपन को इधर से नहीं देखना, अपन को सामने से देखना है, तो मैंने बोला आपको किस लाइन की स्लोप ज्यादा दिख रही है, तो आप बोल रहे हो अब मुझे पी की स्लोप ज्यादा दिख रही है, जब मैं इधर से झांक रहा था तो मुझे क्यू की स्लोप ज्यादा दिख रही थी, देख के सॉल्व करने वाला तरीका बता रहा था, अब हम चल रहे हैं कंसेप्ट से, हम स्लोप निकाल रहे हैं इस स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम का जिसमें हमारा ये वाई एक्सिस पर है और ये हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो हम जानते हैं स्लोप जो होता है वो वाई बाय एक्स होता है, मतलब स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस है, मतलब वन अपॉन ई है। जब हमने सामने से देखा अब इस डायग्राम को तो हमने पूछा आपको किस लाइन का स्लोप ज्यादा लग रहा है, तो आपने बोला अब हमको स्लोप ऑफ क्यू ज्यादा लग रहा है, ये तो हमको स्लोप ऑफ पी ज्यादा लग रहा है, ये तो हमने जब साइड से देखा था तब की बात थी, ठीक है ना, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, अब हटाओ इसको यहां से, मैंने बोला अब सामने से देख के तो मुझे लग रहा है कि स्लोप ऑफ पी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ पी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ क्यू, स्लोप ऑफ क्यू, ठीक है, इसका मतलब यह है अगर इसका स्लोप ज्यादा है, पी का स्लोप ज्यादा है तो उसका ई कम होगा, देखो ना अगर ये स्लोप ज्यादा है किसी चीज का तो उसके लिए ई क्या होगा, कम होगा, और अगर किसी के लिए स्लोप कम है, किसी लाइन के लिए स्लोप कम है तो उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, देख के तो यही समझ में आ रहा है, इनवर्स रिलेशन है ना, स्लोप और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या हो गया अब रिलेशन, इनवर्स हो गया, ठीक। तो चलो हमने यहां से देखा स्लोप पी का ज्यादा है, इसका मतलब ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी पी की एज कंपेयर टू क्यू, ठीक है, क्या पॉइंट लिखा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पी इज मोर देन दैट ऑफ क्यू, नहीं ये पॉइंट सरासर गलत है, है ना, साइड से देखा तो भी बन गया क्वेश्चन, कंसेप्ट से देखा सामने से तो भी बन गया क्वेश्चन, ठीक है, खटाक उड़ा दिया, ठीक है भैया, लिखना हो तो आप इसको लिख लीजिए, बाकी बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है भैया। चलिए भाई इसी के साथ करें इस लेक्चर को ख़त्म, है ना, पढ़ लिया हमने जितना भी हमको अच्छे से पढ़ना था इलास्टिक लिमिट के बारे में, जितना इलास्टिक हिस्टेरेसिस को पढ़ना था, हुक्स लॉ को पढ़ना था, सब कुछ हम जान चुके हैं इस लेक्चर में, ठीक है, इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।